ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट सेशन ऑफ आवर बीएन कोर्स. एम्ब्रियो करेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा कोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या हमारा रिवीजन प्लान है. ठीक है, बिफोर दिस वी स्टार्ट दिस जर्नी, मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दें जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है. प्रीमियम से जो बच्चे हैं उनको तो मैं जानती हूँ, जिन्होंने हमें रिवीजन प्लान से स्टार्ट ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दें वन बाय वन. जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं डॉक्टर अर्जुमन. मैंने आपका अभी 2 डेज पहले ज्वाइन किया है. मैंने पहले अभी कोई क्लास नहीं ली है. जी ओके, चलें, वेलकम टू द क्लास. और अब इंशाल्लाह काफी आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी टिल योर एग्जाम, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह आपके साथ सफर. तो अर्जुमन ट्रेनिंग कर रहे हो? ट्रेनिंग कर रहे हो जी या जी कौन सा ईयर है? नहीं, मैंने FCPS किया हुआ है और पार्ट टू के लिए ट्रेनिंग हो रही है. मतलब MRCOG का शौक था काफी अर्से से, मैं सोची थी तो इस दफा देर कर लिया. नहीं, अच्छा शौक है. करंट साउथ एशिया में इकोनॉमिकल स्टेटस या बर्डन है, तो मेरे ख्याल है इंटरनेशनल डिग्रीज करनी चाहिए. जितना आप MS या FCPS में खवार होते हो, तो MRCOG से जी कम खवारी में हो जाता है और आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाते हैं. तो गुड गुड डिसीजन, बल्कि मैं वाइज डिसीजन एंड टाइमली डिसीजन. गुड. तो थैंक यू. जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, या जो लोग कर चुके हैं, या जिन्होंने इवन MS या FCPS भी कर लिया है, वो तो बड़े सेफ जोन में है. मुझे नहीं लगता कि MRCOG बनने के लिए कोई डिफिकल्ट कोई एग्जाम है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन सो मेनी डिफिकल्ट थिंग्स इन योर लाइफ. सो कोई है आप में से जो अभी हाउस अप कर रहा है या करके फारिग हुआ है या ट्रेनिंग नहीं की? एनीवन? यस मैम. कौन? मरियम? मरियम हाँ जी आपका क्या स्टेटस है? मैम, अभी मैंने फरवरी में पार्ट 1 की अटेम्प्ट क्लियर की है और लास्ट ईयर हाउस जॉब की थी और अब इसकी तैयारी कर रही हूँ. क्या बात है मरियम, तुम्हें पता है तुमने अगर पार्ट 1 क्लियर कर लिया तो MRCOG 1 तुम्हें काफी कम डिफिकल्ट लगेगा, इजी लगेगा. और मतलब अभी किया है तो चीजें काफी फ्रेश हैं, तो आप भी सेफ जी जोन में मैम, हो. दिल पे ना इंशाल्लाह. लेंगे ट्रेनिंग नहीं की. FCPS 1 कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है. कोई ऐसा है जिसने FCPS 1 नहीं किया, जस्ट हाउस जॉब की है? कोई ऐसा नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. बस आई एम अपने डॉक्टर तुबाई और शगुफ्ता. हेयर. हाँ शुभता जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, वेलकम आई एम डॉक्टर सर. शगुफ्ता राजपूत एंड आई एम डूइंग एम एफसीपीएस ट्रेनिंग फ्रॉम JPMC कराची. आई एम फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हियर. तो अभी मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है, कोई 6 to 7 months हुए हैं एंड राइट नाउ आई एम जॉइनिंग योर दिस प्लान. द रिवीजन कोर्स आज ही ज्वाइन किया है. इट्स माय डेमो क्लास. इंशाल्लाह अगर मुझे समझ में आता है कि आई विल बी एबल टू कवर माय होल सिलेबस इन दीस 2 months, देन इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंटिन्यू करेंगे. बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा मैं तुम्हें बताऊं शुभुक्ता, तुम भी सेफ जोन में हो. एक तो तुमने 6 महीने पहले सारा बेसिक पढ़ा है, दूसरा क्लिनिकल भी कर लिया 6 महीनों में. तो वो जो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है चीजों की, MCQs की, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना? जी लिकिंग जी शिकिंग इंशाल्लाह. इंडक्शन समझ जी जी आएगी ऐसे ही अब है. इंशाल्लाह. जी जी ऐसे ही ऐसे ही. वैसे मैं तुम सबको बता दूं कि तुम कोर्स ज्वाइन ना भी करो तो तुम अच्छे बच्चे हो, तुम तो वैसे ही पास हो जाओगे. बिकॉज मेजोरिटी तो मुझे अंदाजा हो गया है, ट्रेनिंग कर रही है, 1 कर चुकी है, कुछ 2 कर चुकी है. तो आई आई कैन सेंस कि जिंदगी के मुश्किल काम आप लोग कर चुके हो, और एक बेसिक एग्जाम आपका कुछ खास बिगाड़ने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये एग्जाम थोड़ा कॉस्टली है और बुकिंग बड़ी खबारी में होती है. तो 100% हम अपने इसको प्रोबेबल बनाएंगे, हम इसे पास कर लें. तो इसके लिए ना एक ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव रीडिंग प्लान होना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में आज मैं बताऊंगी. आप सोलो भी कर सकते हैं या विद मैड होम भी कर सकते हैं, अप टू यू, ठीक है? अच्छा, ये वाला मोटिवेशनल कोट वैसे मुझे, मैंने कभी ऐसा अपने किसी भी सेशन से पहले ना लगाया नहीं है. मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम डॉक्टर महजुबीन हिरा, मुझे हिरा मुनीब के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि जो मेरा पेज है वो हिरा मुनीब के नाम से, उसमें काफी फॉलोवर्स हैं. तो नोबडी नोज के मतलब कि महजुबीन हिरा और हिरा मुनीब एक ही है. अच्छा, महजुबीन हिरा के नाम से काफी बुक्स हैं मेरी, और हिरा मुनीब के नाम से सोशल मीडिया पे होती हूँ, बट नो सेम पर्सन, मैं ही हूँ वो. तो 5 years से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है. अर्लियर आई वॉज टीचिंग ओनली FCPS, MS एंड MCPS, नेशनल एग्जाम्स जो कंट्री के थे.
एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने MRCOG 2 का कोर्स बुक किया है और दिस इज माय थर्ड टाइम कि मैंने MRCOG 1 का कोर्स बुक किया है. FCPS 1 का तो या MCPS का या MS का तो रिजल्ट्स मेरे हमेशा ही अच्छे रहते हैं. 2018 से ऑनवर्ड अगर मैं कहूँ कि मेरे 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट द ग्लोब वर्किंग एज ए कंसल्टेंट. तो बिल्कुल ये एक यू नो एविडेंस बेस्ड बात है कि ऐसा है. MRCOG 1 में जो मेरा पहला बैच गया था जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज था जिसको मैंने 1-to-1 पढ़ाया था वो जनवरी का बैच था, अभी जनवरी 2023 का. और इससे पहले आई वॉज को मेंटोरिंग विद सम अदर माई स्टूडेंट्स, लेकिन इंडिपेंडेंटली मैंने जनवरी से MRCOG 1 को पढ़ाया और जनवरी में ही रिजल्ट 100% था. जितने भी बच्चे उस बैच में थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका एग्जाम पास ना हुआ हो. तो एवरी वन यू नो जो भी अपेयर हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया. और वैसे पास तो वो हो भी जाते हैं क्योंकि मेजोरिटी तो ट्रेनिंग करके जैसे आप लोगों का क्राउड है ना वैसे ही था, तो इसलिए आपका क्राउड अच्छा है. मतलब ये जो आप लोग सब हो ना, तो मुझे अभी सब पता चल गया कि ये बैच भी 100% ही रिजल्ट देगा क्योंकि ऑलरेडी यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 90%. मैंने तो सिर्फ 10% ही अपना इनपुट देना. अच्छे कैंडिडेट हो आप. तो दैट वाज अबाउट मी एंड अबाउट मैडहोमी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे मैं मेंटोर कर रही हूँ. मेरे साथ डॉक्टर मारिया सलीम है. वो आपके रिकॉल्स वो कवर कराती हैं, आपका थ्रेटिकल पार्ट ना मैं कवर कराती हूँ. अच्छा, मैंने किसी भी सेशन में ना ये वाला कोट नहीं रखा, लेकिन मोटिवेशनल कोट तो मैं से नहीं कहूँगी, लेकिन चूंकि अभी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मैं बहुत सारे बच्चे जो है ना जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू करना है बड़े ही स्ट्रेस में है कि बुकिंग भी हो गई है, अभी इतना एग्जाम कॉस्टली है वो भी है, तो क्या करें 8 वीक्स में हम क्या करें ना. तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये जो हमारी लाइफ है ना ये किसी मैनुअल के साथ थोड़ी ना आती. ठीक है, हम गलतियाँ करते हैं और हम सीखते हैं. हम कोई इंस्ट्रक्शन लेके कोई पैदा नहीं होता. ये हमारी मिस्टेक्स हैं, ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं. अगर आप में से कोई ये कहते हैं ना मैंने 100 मिस्टेक्स की हैं, तो उसमें वो 100 यू नो चीज़ें नई नई तरीकों से लर्न करने वाला है. तो मिस्टेक्स करना अच्छी बात है, नो वरीज. तो ये 8 हफ्ते आपकी ज़िंदगी के हैं, इसमें जितनी मिस्टेक्स करनी है करें, बिकॉज ये मिस्टेक्स ही आपको कंपेल करेंगे कि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करें. गलती नहीं करोगे तो मैं तो ये कहती हूँ सीखोगे ही नहीं. तो बिफोर योर एग्जाम यू नो कमिट मैक्सिमम मिस्टेक्स, मैक्सिमम अपने क्वेश्चन स्कूल को एड्रेस करें. गलत हो जाएगा ना, नो वरीज, तो उसका आंसर भी तो मिलेगा ना. और ये जो प्रोसेस है ना सर्च का, गलत करना, ठीक करना, ठीक है, मॉडिफाई करना, यही तो लर्निंग है. वरना तो यू नो बाय बर्थ कोई भी प्रोफेसर नहीं पैदा होता. ठीक है, चलें, वेलकम टू द कोर्स. डेमो कोर्स कहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारा ये जो ऑफिशियल कोर्स है उसका पार्ट नहीं है. बट एनीवे, वेलकम टू एवरीवन. थोड़ा से कोर्स के बारे में बता दूं, ये 4 जुलाई 2023 के लिए हमारा रिवीजन प्लान है. रिवीजन क्रैश कोर्स भी कह लें इसको, वट एवर यू से. बट इसलिए क्रैश इसलिए है कि 8 हफ्तों में सब कुछ करना है ना. 8 हफ्ते आपको लगता तो है कि कम टाइम है, लेकिन जैसा कि आप लोगों की ऑडियंस को देख के मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में है या रिसेंटली पार्ट वन किया कर चुके हैं, डन FCPS MS MCPS, तो आप लोगों के लिए 8 वीक्स आर सफिशेंट टू क्रैक दिस एग्जाम. ठीक है, होवर अगर जिन जिन लोगों का यू नो हाउस अप के बाद भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर वो भी इन 8 वीक्स को वाइजली प्लान करें तब भी ये एग्जाम ना डुएबल है, क्योंकि है तो वही MBBS का नॉलेज. उनसे कोई यू नो सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन है या कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें या बेसिक सी चीज़ें हैं ह्यूमंस जो बेसिक अप्लाइड साइंसेस की होती हैं. तो स्टार्ट करें विद यू नो गुड जेस्चर, विद गुड यू नो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, विद गुड वाइब्स कि ये एग्ज़ाम पास होने वाला है, लोग इसे पास करते हैं, किसी ने पास किया है तो मैं भी पास करूँगा. ठीक है, और डेफिनेटली आप करोगे. और इसका टेस्टिमोनियल तो आपको दियो, इफ यू आर लिसनिंग मी इट्स मीन यू हैव डन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने आपने 4 प्रॉफ कर लिए हैं पास, यू हैव डन यू नो कंप्लीट MBBS, और उससे पहले का स्ट्रगल भी मैं समझ सकती हूँ. तो आप तो खुद ही अपने टेस्टिमोनियल हो, तो ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है फिर, अगर ये इतना कुछ जिंदगी में कर चुके हो. बट एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट. कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5th May से. We will start from anatomy because embryology तो हम डेमो सेशन में ही कवर कर लेंगे. ठीक है, फिर
इसको क्रैश और रिवीजन प्लान इसलिए बोल रही हूँ कि हम थ्योरी को भी रिवाइज करेंगे और साथ में रिकॉल्स भी करेंगे, तो इसलिए ये रिवीजन क्रैश कोर्स हो गया। ठीक है, आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है ना, मैं उससे खुश नहीं हूँ, बिकॉज व्हाट ऑप्शंस यू हैव, एसेंशियल रिवीजन या एसेंशियल गाइड, दोनों ही यू नो बुक्स सेफ नहीं है। चाहे मिला के पढ़ लो, चाहे यू नो सेपरेट करके पढ़ लो। अच्छा, रिवीजन तो फिर भी चलो संभाली जाती है, छोटी है। एसेंशियल थोड़ी यू नो लेंथी बुक है, और जिस तरीके से लिखा हुआ है वो हरगिज भी ऐसा नहीं है कि कोई इसको एब्जॉर्ब कर सके। यू नो बिल्कुल प्लेन ड्राई बुक है, टेक्स्ट बुक लाइक। कहाँ से बंदा शुरू करे? क्या कोई बुलेट नहीं है? कोई इम्फेसाइज नहीं किया हुआ? कोई रिकॉल्स नहीं पता? समझ नहीं आती। और इसकी थर्ड जो बुरी बात है वो ये है कि जब से लिखी गई है तब से अपडेट नहीं हुई। और अगर हमारे जो मैं बात करूँ तीन मॉड्यूल्स की या तीन सब्जेक्ट्स की, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लिनिकल मैनेजमेंट और माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों चीज़ों में अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ रिवाइज्ड गाइडलाइंस ग्रीन टॉप की, या ये जो यूके की गाइडलाइन है, क्योंकि एग्जाम भी यूके का है। तो फिर हाउ यू कैन यू नो इंटायरली रिलाई ऑन दीज बुक्स? तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, अगर एग्जाम पास करना है तो यू मस्ट बी ओरिएंटेड के क्या रीसेंट चेंजेस हैं जो आपके सिलेबस में आई हैं। तो रिस्पेक्टिव यू नो इन रिगार्ड टू दीज थ्री सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बाकी वो सेम ही है। बाकी फार्मा ने कौन सा चेंज हो जाता है, इम्यूनोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना, एब्रो भी वही की वही है, एनाटॉमी भी वही की वही है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट सेफ है। तो इन तीन सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा ना, ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ। जैसे GBS चेंज हो गया, ओब्स कोलेस्टेसिस की गाइडलाइन चेंज हो गई है, प्रीटर्म लेबर चेंज हो गया, इंडक्शन चेंज हो चुका है, और एंड वो तो खैर आप नाम लें तो फिर बात कहीं से कहीं निकल आए, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अच्छा, तो हम जो है इस वजह से आपको ना स्टडी नोट्स खुद प्रोवाइड करेंगे, और उनका बेस क्या है, रिवीजन से भी चीज़ें निकालनी है, एसेंशियल गाइड से भी निकालनी है, और उनको ना इस तरीके से बनाया गया है कि आप उनको ना एब्जॉर्ब कर सको इन्फॉर्मेशन को। मतलब बुलेट पॉइंट्स हैं, एग्जाम एसेंशियल पॉइंट्स को बोल्ड किया गया है, रिकॉल्स को हाईलाइट कर दिया गया है। तो फिर इस तरह ह्यूमन माइंड उनको अच्छे से यू नो प्रोसेस कर लेता है। टेबल्स हैं, बस वर्ड्स हैं, निमोनिक्स हैं, ऐसे ही पढ़ता है ना बंदा। और 8 वीक्स में आपको ये सपोर्ट ज़रूर चाहिए। 8 हफ्तों में अगर आप पहली दफ़ा पढ़ोगे ये टेक्स्ट बुक्स जिनके मैंने नाम लिया, फिर तो वो यू नो सुइसाइडल थॉट ही हो जाएगी। तो इस तरह आपको जो स्टडी नोट्स हैं वो यकीन करें दे आर एविडेंस बेस्ड एंड नाइसली रिटन, कोई मेरी स्लाइड्स ही हैं और यू कैन प्रिंट देम, तो वो बस आपने पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप मुझे ज्वाइन करते ना मेरे प्रीमियम थ्योरी कोर्स में बिफोर 2 मंथ्स, तो मैं कहती कि भाई हम सिंगल बेस्ट आंसर्स भी करेंगे फ्रॉम वेरियस प्रैक्टिस MRCOG 1 बुक्स। बट इफ़ यू पीपल आर ज्वाइनिंग नो, आर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स नाउ, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि 2012 से लेके 2023 के जो पास्ट पेपर है ना वही कवर करने, और वो आसान नहीं है कवर करना, बिकॉज जो मार्केट में अवेलेबल है या डिफरेंट सोर्सेज या डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स या कोर्सेज में है, उनकी एक्सप्लेनेशन पे मुझे काफ़ी डाउट ही रहता है, आप देखेंगे भी सही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि रिकॉल्स विद यू नो ऑथेंटिक की एंड एक्सप्लेनेशन किए जाएँ। तो इस रिवीजन प्लान में मैंने ये 2 चीज़ें तो इंश्योर की हैं कि आपको यू नो एक हाई यील्ड स्टडी नोट्स मिले, और साथ ही आपके रिकॉल्स कवर हों विद ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशंस। और उनको मैंने ये नहीं है कि आप कुछ पेपर 2012 का निकाला, उसमें पहला क्वेश्चन इनेट में गया, दूसरा माइक्रो का, तीसरा बायोस्टैट का, ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो ऑर्गेनाइज्ड वे में ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन रिकॉल्स को भी फर्दर हमने सेग्रीगेट किया, एनेटमी के सारे इकट्ठे किए हैं, एम्ब्रियो के इकट्ठे किए हैं, जैसे आप लोग कर देख भी रहे हैं जो प्रीमियम कोर्स हैं, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, और बाकी आपके साथ इंटरेक्टिव जूम सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेंगे, ताकि 8 हफ्ते में मैक्सिमम हम तैयारी कर सकें। अच्छा, ये थोड़ा सा प्लानर है, मैं बता दूँ 4 जुलाई के लिए है, 8 वीक का ही कोर्स है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, आज 1st में है,
तो 1 to 4 से हम एम्ब्रियो करेंगे, बट मेरा दिल तो है 3 दिन में ही एम्ब्रियो हो जाए, लेकिन मुझे पता तुम लोगों ने एंड पर होना है, चलो 4 दिन में एम्ब्रियो कर लें, ठीक है, देन 5 to 9 एनाटॉमी हो जाए। एनाटॉमी के लिए वैसे आपको थोड़ा लगेगा कि मैंने ज्यादती कर दी कम टाइम देंगे, बट नो वरीज, मैं बताती हूँ इसको कम, ये हो जाएगा। हमने कौन सा बड़ा रायता बिखेरना है, हमने तो एग्जाम ओरिएंटेड करना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड से ही 90% स्कोर आ जाता है। पासिंग स्कोर जनवरी में 68 था, तो तुम आराम से कर लोगे कवर। तो आपने देखा, ये देखें कितने मॉड्यूल्स हैं, एम्ब्रियो एनाटॉमी, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिजियो, एंडो, फार्मा, बायोकेम, जेनेटिक्स, पैथो, इम्यूनो, माइक्रो, बायोफिजिक्स एंड बायोस्टैट। इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अकलौता नहीं है जिसको हम बड़ा अच्छे से करें हम पास हो जाएं, मतलब एनाटॉमी पे ही लगा दें 30 डेज तो अच्छी एनाटॉमी करके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20-20 करके पास हो जाओगे, कभी भी नहीं। तो हमने इन 8 वीक्स को ऐसे यूटिलाइज करना है कि हम 80-85% पेपर हल कर ले आराम से, ठीक है। तो एनाटॉमी भी हल हो, एम्ब्रियो भी हो और बायोस्टैट तक काम जाए, तो इसलिए इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। इफ यू विल यू नो प्रोलॉन्ग एनाटॉमी आफ्टर 9th में, तो इसकी कॉस्ट क्या है, क्लिनिकल मैनेजमेंट, एंडो, फार्मा, बायोस्टैट, आगे तो 4 को पेपर देना ही देना, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप करोगे भी साथ साथ हल, आपको पता है कैसे पढ़नी है तो वैसे ही पढ़नी है। इंसान वैसे थोड़ा जब पढ़ने बैठता है तो फिर तो वो चाहता है ना कि डिटेल ही निकाल लेना हर चीज की, तो इस तरह नहीं करना है। जब आप रिवीजन किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो बहुत डीप नहीं जाना, ठीक है। आपने देखना भाई मेरा पेपर ये है और मैंने इसको पास करना है, इसमें आया क्या है, पिछले पास पेपर्स में ऐसे ही आप प्रोबेबली आएगा और 60-80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे ही रिपीट होने हैं, तो मैंने अपनी सिक्योर करनी है कि मेरा ये पेपर पास हो जाए, ठीक है। एनाटॉमी इस तरह करेंगे तो टिल 9th में आराम से हो जाएगी। क्लिनिकल मैनेजमेंट इंटरप्रिटेशन अगेन 10 से 14 में हो जाएगी। फिर भी ये 3 सब्जेक्ट्स में आइडियल 100% जिंदगी नहीं है, सिलेबस वैसे ये प्लानर तो आइडियल है लेकिन जिंदगी आइडियल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, एनाटॉमी वाले दिन तबियत खराब हो जाएगी, क्लिनिकल मैनेजमेंट करते हुए ड्यूटी लग जाएगी। तो मैंने ना दरमियान में कुछ ब्रेक्स रखी हैं ताकि आप डीमोटिवेट ना होगी, प्लानर तो फॉलो नहीं होने वाला तो पेपर भी नहीं पास होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। 15, 16, 17 3 दिन एडिशनल हैं, इधर अगर आपने आइडियल वे में तैयारी कर लिया तो इन 3 दिनों में एम्ब्रियो एनाटॉमी क्लिनिकल को दोबारा रिवाइज कर लें, या कोई टॉपिक मिस हो गया तो वो कर लें, ठीक है। फिर हम फिजियो कर लेंगे, एंडो कर लेंगे और फार्मा कर लेंगे। हर सब्जेक्ट को मैंने 3-3 डेज ही दिए हैं ऑन एवरेज। तो फिर रिवीजन आ गई, रिवीजन या यू समझ लें कि कंपनसेशन डेज हैं, कि अगर चले नहीं भी हुआ, कोई चीज़ मिस भी हो गई है तो 26, 27, 28 जून में वो कंप्लीट कर लें। देन बायोकिनेटिक्स एंड पैथो 3-3 दिन, फिर रिवीजन, फिर अम्यूनो, माइक्रो एंड बायोफिजिक्स, ठीक है। बायोस्टैट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, बट 25 तक हम एक अच्छी नाइस हाई क्वालिटी अफेक्टिव रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रीडिंग से नहीं हम पास होते, हम पास होते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ रीडिंग क्या है। अगर तुम लोगों ने एम्ब्रियो एनाटॉमी क्लिनिकल अच्छे से की है और उसके बाद इसको रिवाइज कर लिया है, फिर फिजियो एंडो फार्मा किया, उसके बाद फिर ये जितना ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपने रिवीजन में रिवाइज करनी है, तो ये रिवीजन हो ही रही है ना साइड बाय साइड, ठीक है। और अच्छी रीडिंग पे फोकस करें, मतलब सर से ना गुजारें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और आगे मूव करें। तो फिर क्या होगा, 25 के बाद स्टिल वी विल हैव अनदर 1 वीक और फिर एक ग्रैंड रिवीजन आपके सारे सब्जेक्ट्स की हो सकती है। और इस चीज़ का तो टेस्टिमोनियल आप खुद ही हो कि आपने MBBS के फाइनल ईयर में वो मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गायनी, वो जैसे लेंथी सब्जेक्ट्स नहीं किए, किए थे ना, तो ये तो फिर लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोज एक्सटेंसिव सिलेबस। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, बिकॉज आप ऐसा इससे ऐसे बहुत सारे एग्जाम पास कर चुके हो, ठीक है, और ये हो जाए, मैंने भी ऐसे किया था, ठीक है। तो एनी इशू इन दिस प्लानर? No issue, it's an excellent planner. अच्छा, मैंने ये 30 दफा चेंज किया है। पहले तो मैंने क्या किया था, मैंने 15 तक सारा खत्म कर दिया था और फिर 15 के बाद मैंने कहा रिवीजन हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लानर जिसको फॉलो कर रहे हो ना, उसमें अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए ना, वहीं आपके मोमेंटम का ना यू नो कीमा हो जाता है।
और फिर जब इंटरेस्ट खत्म हो जाए, जब जहाँ स्ट्रेस और मोटिवेशन लूज हो जाए, स्ट्रेस आ जाए मोटिवेशन लूज हो जाए, तो आगे कुछ भी नहीं होता। तो ये जो तीन ब्लॉक्स है ना, ये कंपनसेशन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। चलें बाकी हम चलते हैं टुवर्ड्स योर सिलेबस। सिलेबस पे डिटेल्ड ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है, क्या करना है सिलेबस का, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इस सेशन के साथ मैं वो सारे लिंक्स भी अटैच कर दूंगी, ठीक है, अगर किसी का मिस भी हो गया है। लेकिन अब तो टाइम नहीं है वो लंबे लंबे सेशन सुनने का, तो उसको जो है ना यूट्यूब पे जाके डबल स्पीड पे सुन लीजिएगा, जहाँ जहाँ से समझ आए। मैंने ये बताया था सिलेबस के ओरिएंटेशन सेशन में कि आपने जो है ना ब्लॉक रीडिंग करनी है, मतलब एम्ब्रियो के साथ मेक श्योर एनाटॉमी ही पढ़ी जाए, ठीक है। फिजियो के साथ मेक श्योर एंडो और फार्मा ही पढ़ी जाए। पैथो के साथ मेक श्योर अम्यूनो और माइक्रो ही पढ़ी जाए। क्लिनिकल मैनेजमेंट के साथ मेक श्योर के डेटा इंटरप्रिटेशन ही पढ़ी जाए। जेनेटिक्स और बायोकेम को खट्टे ही पढ़ा जाए, ठीक है। और इसके फौरन बाद एंडो शुरू करना, क्योंकि जेनेटिक्स एंडो भी थोड़ा ओवरलैप होता है। तो इस तरह आप यू नो आपके जो माइंड में सिंक्रोनाइजेशन है इंफॉर्मेशन की, वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेयर्ड रीडिंग हो जाएगी सिस्टमैटिक वे में। और हमारा जो माइंड है ना, या जो हमारी एजुकेशन है, हम लोग ना ह्यूमन साइंस से रिलेटेड है, हमें तुक्के मफरूजे हमें तंग करते हैं, जैसे हमें बायोस्टैट तंग करती है, हमें मैथ तंग करती है, हमें नहीं समझ आती। दैट इज द रीजन कि हमारी ट्यूनिंग हो चुकी है कि हमें यू नो चीजें जब तक अंडरस्टैंड नहीं होती हम उन्हें कर ही नहीं सकते, ना हम उनको याद कर सकते, ना याद करके उनको रट्टा मार के रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉक रीडिंग से आपकी सिंक्रोनाइजेशन ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। और फिर एग्जाम में तो बैठ के प्रोसेस करना होता है ना, एग्जाम में तो वही 200% है, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, हाँ, उसके बाद फिर छोटी सी ब्रेक है, फिर 100 हैं और मिक्स हैं, कोई एनाटॉमी का आ रहा है तो कोई एम्ब्रियो का आ रहा है, कोई फिजियो का आ रहा है तो कोई पैथो का आ रहा है, ठीक है। तो इंसान जो है वो इस तरह जब तक उसकी उसके अंदर आपने यू नो अपने माइंड में ऐड चीजें सही तरीके से नहीं की ना, तो आप उनको एक्सक्लूड भी उसमें से निकाल भी सही तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने अभी 8 हफ्तों में अपने माइंड में चीजें ऑर्गेनाइज करके डालनी है, ताकि टाइम जब भी टाइम पड़े तो आराम से उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर वन में एनाटॉमी, बायोकेम, एम्ब्रियो, एंडो, ये बायोस्टैट, सिनेटिक्स और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। और पेपर टू में बायोफिजिक्स, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, अम्यूनोलॉजी, माइक्रो, पैथो और फार्मा है। बट आपने देखा इसमें एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा है पेपर वन में, है ना, यहाँ पूरा ब्लॉक है, और इसके बाद बायोस्टैट। तो इट्स मीन कि पेपर वन में भी हमने एनाटॉमी का पोर्शन और ये बायोस्टैट का पोर्शन बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा खासा फिजियो का भी है, ठीक है, एंडो का भी है। बट द जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम वो एनाटॉमी से आते हैं और बायोस्टैट से आते हैं पेपर वन में। तो ये है गेम चेंजिंग आपके मॉड्यूल्स, मतलब एनाटॉमी और फिजियो, एनाटॉमी और बायोस्टैट अच्छी नहीं आती तो बस समझे पेपर पास नहीं हो सकता, ठीक है। लेट सपोज मैं कहूँ जेनेटिक्स नहीं आती, जेनेटिक्स इतना चुनना था तो है मॉड्यूल, नहीं भी आते तो फिर भी पास हो जाता है पेपर, लेकिन करनी है ऑब्वियसली करेंगे। तो ये तो जो एनाटॉमी, ये जो एनाटॉमी और बायोस्टैट है ना, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, इनको तो ना थोड़ी नहीं पता। अच्छा, बाकी पेपर टू में देख लें, पेपर टू में आप देखें क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दो सब्जेक्ट, ये वाला और ये तो ये देखें ना 40% बना रहे हैं। तो अगर क्लिनिकल मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन पेपर टू से निकाल दो तो फिर तो पेपर ही निकाल देना, नहीं होगा पास। तो इसको बड़ी हमने देना है इसको, ठीक है। फिर आ जाएं आप इस ऑरेंज पे, ये ऑरेंज पैथो है, फिर ये इस पे आ जाए माइक्रो है, कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर कहा जाए पेपर टू में क्लिनिकल मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन और पैथो यू नो स्ट्रॉन्ग स्कोर्स दे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जिन सब्जेक्ट्स की वजह से आप पास नहीं हो सकते, मतलब वो एनाटॉमी है पेपर वन में, वो बायोस्टैट है, और पेपर टू में क्या है, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पैथो। अच्छा, इसके बाद
मैं तुम्हें इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि लास्ट टाइम वन ऑफ माय यू नो स्टूडेंट कॉल्ड मी, उसने कहा मैडम सब कुछ कर लिया है, बायोकेमिस्ट्री नहीं आती. अब मेरे पास चॉइसेस ये है कि मैं बाकी सब की रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज करूं और बायोकेमिस्ट्री अच्छे से करूं. मैंने कहा छोड़ो गोली मारो बायोकेमिस्ट्री को, इसे तो फेल नहीं होने वाली, बाकी चीजें जो अच्छी आती है जिन वो अच्छी कर लोगे तो पास हो जाओगी. बायोकेमिस्ट्री में मैंने उसको बोला कि ये जितने पाथवेज है उनके रेट लिमिटिंग स्टेप्स कर लो, एंजाइम याद कर लो ठीक है, और जो इनके मोटे मोटे रिकॉल्स हैं वो कर लो, और वो उनमें से आप ही क्या होगी थी पास. अब मैं ये नहीं कह रही कि बायोकेमिस्ट्री छोड़ दो, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी. जब तैयारी ही कम्प्रोमाइज्ड वे में स्टार्ट करोगे तो फिर आउटकम भी कम्प्रोमाइज निकलेगा. टुक्का ही है ना, पास हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, और ये इस बात की गारंटी कौन देगा नेट में जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब ठीक है. तो अगर बायोकेमिस्ट्री अच्छे थोड़ी अच्छे से की होती है तो वो कंपनसेट तो कर लेगी ना आपके स्कोर को. आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. हाँ चलो अच्छे कैंडिडेट हो, चलें. तो दैट वाज अबाउट थोड़ी टिप्स थी आप लोगों के लिए. अच्छा रिवीजन क्रैश कोर्स पे ना आपका जो हमारे साथ गुजरेगा ये 8 वीक्स का ड्यूरेशन, वो ऐसे है कि सबसे पहले तो तुम लोगों ने ना टेलीग्राम पे एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम है जुलाई क्रैश कोर्स. उस फोल्डर में तुमने M1 से लेके M14 तक ये ग्रुप्स ऐड करने हैं. ये तभी ऐड करोगे ना जब हम आपको ऐड करेंगे, व्हेन यू विल ज्वाइन दिस कोर्स. So once you joined, we will add you in all these 14 groups, and you will add all these 14 groups into a single folder. आप टेलीग्राम ओपन करके अपना फोल्डर खोलना है और बस यही नजर आएगा, और कोई एडिशनल फालतू के ग्रुप्स कुछ नजर नहीं आने वाला. अब M1 ग्रुप है, this is for embryology. अब हमने कहा था ना कि 1 से लेके 4 हाफ में तक हमने एम्ब्रियो करनी है, तो हमने ये बाकी तो खोलने भी नहीं है, कुछ नहीं करना. और आपको बताऊं मल्टीटास्किंग अच्छी चीज नहीं है. ये मत करें कि 2 घंटे एम्ब्रियो, 4 घंटे एनाटॉमी, 1 घंटा बायोकेम, कभी भी नहीं ऐसा होता. 4 डेज लगाओ, बैठो जैसे मुर्गी बैठती अंडों पे और निकालो, एम्ब्रियो निकल जाएगी. इतने अच्छे से करो कि फिर एनाटॉमी पे आ जाओ M2 में, फिर एनाटॉमी अच्छे से करो 6 दिन में. अब सिर्फ एनाटॉमी करनी है और पता भी है कि सिर्फ M2 में करनी है, जो स्टडी नोट्स हैं रिकॉल्स हैं, तो जिंदगी आसान है. वरना होता क्या है, एसेंशियल खोलोगे, रिवियन खोलोगे, स्नेल खोलोगे, FCPS बन जहाँ से की थी, स्नेल से करते हैं बच्चे, वो खोलोगे, फिर नोट्स खोलोगे, फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में, स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में, नोट्स बनाने में 6 दिन लग जाने हैं, पढ़ोगे कब. तो रिवियन प्लान में दैट्स वाई जो आपको स्टडी मटीरियल है वो आपको मेरा वादा है विल प्रोवाइड, ताकि जिंदगी आपके आसान हो इन 6 दिनों में, आप सिर्फ पढ़ें ठीक है. अच्छा M2 हो गया तो फिर M3 में आ जाएंगे, इसमें एंडो करेंगे, फिर M5 में आ जाएंगे, इसमें फिजियोलॉजी करेंगे. अच्छा तो हाँ M5 के बाद ना फिर हम आ जाएंगे M6 में, एंडो कर लेंगे, फिर 7 में आ जाएंगे, फिर 7 किधर है, हाँ फिर फार्मा कर लेंगे, ब्लॉक रीडिंग जैसे पहले बताया था मैंने, फिर हम आ जाएंगे M8 में ठीक है, बायोकेमिस्ट्री कर लेंगे, फिर M9 में आ जाएंगे जेनेटिक्स कर लेंगे, फिर M10 और 11 में आ जाएंगे पैथो इम्यूनोलॉजी कर लेंगे ठीक है, फिर M12 में आ जाएंगे एनाटॉमी कर नहीं तो M12 किधर है, हाँ माइक्रो कर लेंगे ठीक है, और फिर M13 में आ जाएंगे बायोफिजिक्स कर लेंगे, और M14 इज बायोस्टैट. बायोफिजिक्स बायोस्टैट थोड़े ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, शुरू में करने से मोटिवेशन की ना ऐसी की तैसी हो जाती है, एंड पे करेंगे और अच्छे तरीके से हो जाएंगे फिर, नो वरीज. मेरा दिल ये भी है कि बायोस्टैट साइड बाय साइड भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहे, ताकि आप लोग ड्रिल करते रहो, क्योंकि आप लोगों को बायोस्टैट नहीं आती और आती वायर मुझे भी नहीं है. लेकिन जो पेपर में आता है ना बस वही करना है, वही ओड्स रेशियो निकालनी है, वही स्टडी डिजाइन करने हैं, तो हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, वो डीप नहीं करने. और इस बायोस्टैट पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आती है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से आती है. मैथ जैसी है ना, तो इसमें हमारे पास जो पूल है बायोस्टैट का वो रिकॉल्स का ही है, और 100% के रिकॉल से ही आती है. मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि पास पेपर से कौन कौन से मॉड्यूल 100% आते हैं, तो वो उसमें एक बायोस्टैट है, बायोफिजिक्स भी उनमें से है, बायोकेमिस्ट्री भी उनमें से है, इम्यूनोलॉजी भी उनमें से है,
एंडो में कभी कभार फूल नया आ जाता है, या फिर क्लिनिकल मैनेजमेंट में कभी कभार नहीं, क्लिनिकल मैनेजमेंट में कभी कभार नहीं, अच्छी खासी दफा नया फूल आ जाता है, ठीक है। बट वो फिर भी डुएबल हो जाएगा, बिकॉज अगर किसी ने भी 6-7 महीने क्लिनिकल लगाए हैं ना हाउस में भी गायनियोब्स के वार्ड में, तो वो भी कर लेते हैं, चुनने क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्ट अर्ली प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस एक टॉपिक, वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है, बट डुएबल डू दैम। चलो तो इस तरह से बस तैयारी करेंगे आप, जैसे हमने एम्ब्रियो एनाटॉमी की और डेटा इंटरप्रिटेशन की 3 मॉड्यूल करने के बाद, फिर आपके यू नो रिसेसिटेशन के लिए 3 दिन आ गए, फिर उसके बाद फिर नए ब्लॉक्स करते रहेंगे, सब्जेक्ट्स करते रहेंगे, तो टिल 25 एग्जाम से एग्जैक्टली 8 या 9 दिन पहले आप एक अच्छी नाइस हाई क्वालिटी रिवीजन कर चुके होंगे विद योर रिकॉल्स, और क्या चाहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं फिर एम्ब्रियो पे। So that was about the revision plan. इसमें कोई मसला मसाइल है तो बता दें। अच्छा revision plan में ना बेटा आपकी आवाज नहीं आई मुझे, क्या बोला? जी क्या बोला है? अभी तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। वास्लाम वास्लाम ओके वेलकम साम ओके। अच्छा हादिया ने पूछा पास्ट पेपर्स भी कर, हाँ पास्ट पेपर्स तो मस्ट हैं, 50% थ्योरी है तो यूज, बल्कि मैं कहूँगी 40% थ्योरी है तो 60% पास से पेपर से पास होने वाले। पास पेपर्स तो ना मैंने सब्जेक्ट वाइज बताया ना, जैसे एम्ब्रियो करेंगे इन 4 दिनों में, तो एम्ब्रियो में जितने भी रिकॉल्स है ना कर लेंगे कवर। अब तुम लोग ये ट्रस्ट रखो कि रिकॉल्स कवर हो गए हैं, खुद से ना ढूंढे बैठ जाओ पास पेपर, ना तो ढूंढते रहोगे टाइम वेस्ट करोगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना मुझे वो समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर सकती हैं? जी दोबारा रिपीट करती हूँ, किधर चले गए हो सर? हेलो हेलो जी मैम, हाँ ये चीजें समझ आ रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आप समझा रही हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे। कंफ्यूजन काफी हद तक रिलैक्स कर रही हैं आप अपने, तो टेंशन से बहुत बुरा हाल था कि पता नहीं हो भी सकेगा ही नहीं। जी ओके बहुत शुक्रिया, चलिए एम्ब्रियो स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो से पहले मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ना अपना ना माइंड मैप बनाया करें, माइंड मैप से ना एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि भाई एम्ब्रियो में क्या है। एम्ब्रियो का माइंड मैप कोई मुझे बताएगा क्या कुछ होता है एम्ब्रियो में? एम्ब्रियो में होता है 4 वीक तक की डेवलपमेंट है ना, फिर उसके बाद हाँ फिर सिस्टम की डेवलपमेंट आती है, ऐसा ही होता है ना? जी बिल्कुल। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ये, नो वरीज, यू विल हैव रिकॉर्डिंग लेटर, नो वरीज। तो सिस्टम वाइज करना होता है। अच्छा मुझे बताओ एनाटॉमी तो एम्ब्रियो तो बहुत ज्यादा है, लाइक आई कैसे बनी, कान कैसे बना है ना, JIT का सिस्टम कैसे बना, पांव कैसे बने, लेकिन अच्छी बात पता क्या है, अनलाइक यूर FCPS बन या यूर डिफरेंट बेसिक एग्जाम, MRCUG बन इज यू नो स्पेशलिटी ओरिएंटेड बेसिक एग्जाम, और वो क्या है OBG गायनी की, और OBG गायनी में क्या पढ़ना चाहिए हमें? एम्ब्रियोनिक पीरियड तो पूरा पढ़ेंगे क्योंकि टेटोजेनिसिटी हो सकती है, सब कुछ आना चाहिए। और कौन सा सिस्टम हमें तंग करता है, जैसे यूट्राइन एनोमलीज आ जाती है तो रीनल सिस्टम तंग करेगा ना, और जेनिटल सिस्टम या जेनिटल यूरिनरी सिस्टम आप बोल रहे हैं, हमें टर्मिनेशन करनी पड़ती है, टर्मिनेशन टॉप वेरियस एनोमलीज में, तो वी मस्ट नो कौन सी एनोमली में सर्वाइवल नहीं है। अच्छा गान हो रही है अभी, तो मैं फिर थोड़ा सेशन पास करें।
ओके हादिया, आपने पूछा है एक्सपोर्ट रिवीजन ये एसेंशियल अलग से करनी है कि नहीं, तो नहीं है, नहीं मत करें. इफ़ यू आर यू नो स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नो फॉर 8 वीक्स एग्जाम आठ हफ्ते बाद, तो मत करें किताब में. फिर आप स्टडी मटेरियल जो मैं ढूंढा इस यही प्रिंट कराएं, इसी से पढ़ें. और मैंने ये जो स्टडी मटेरियल का जो मेरा सोर्स है वो रिवीजन और एसेंशियल दोनों ही हैं, प्लस प्लस जो चीज़ें चेंज हुई हैं अपडेट हुई हैं वो हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है स्टडी मटीरियल. ठीक है, और अननेसेसरी डिटेल्स मैंने ओमिट किए हैं जिनका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है. और फिर प्रेजेंटेबल मटेरियल है ना, पढ़ने को दिल चाहता है, आगे देखिएगा आप, आई विल यू नो शो इट लेटर. तो हाँ, तो देखिए हम थे एम्ब्रियो पे, हमने कहा भाई एग्जाम स्पेशलिटी ओरिएंटेड है, हमने वो CNSI और लिम्स या CVS की सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट के बारे में नहीं जाना, हमने अपने काम से काम रखना है. हमारा काम क्या है कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट क्या है वो हमने बड़े अच्छे से करनी है, बिकॉज वो हमें अच्छे से आती है. तो यूटानी एनोमलीज, प्राइमरी मेनोरिया, डिसमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेजेस को हम हैंडल कर सकते हैं, नहीं आती तो फिर नहीं कर सकते. ये तो हमारी यू नो हमारी गायनी में एक पूरी डोमेन बन जाती है. इसी तरह यूरिनरी सिस्टम की जो एम्ब्रियो एक जैसी है जेनिटल यूरिनरी सिस्टम की, तो 40% यूटानी एनोमलीज में हम यू नो यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे. अच्छा, टर्मिनेशन बहुत सारी एनोमलीज ऐसी होती है जिसमें टर्मिनेशन नहीं करनी. आप हाइड्रोकैप्लसी नहीं करते अगर माइल्ड है आई थिंक, लेकिन हाइड्रोकैप्लस के साथ अदर 70 मसले हैं, दिल के मसले और बहुत सारी चीज़ें, तो आप टर्मिनेशन करनी है या हाइड्रोकैप्लस अवेयर है करनी है टर्मिनेशन. तो टर्मिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए हमने बाकी कोई एनोमलीज भी देखनी है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली टर्मिनेशन के केसेस में हम देखेंगे. तो हमने थोड़ी थोड़े बाकी सिस्टम और उनमें जो एनोमलीज हैं वो भी देखनी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड वे में, वो डीप नहीं. डीप सिर्फ हम जाएंगे जेनिटल एंड यूरिनरी सिस्टम में. क्लियर हो गया? हम ये नहीं देखना कि VSD कैसे बन रहा है और ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो डिटेल्स में. हमने CVS में सिर्फ ये देखना है साइनोटिक कौन सी है, साइनोटिक कौन सी है, रिपेयर किसकी हो जाती है, टर्मिनेशन किस में करनी है, और वो कौन सा एक स्पेसिफिक कार्डियक इनोमलीज में पैटर्न है जो फीटल इन्फेक्शन के साथ आता है, रुबेला के साथ कौन सी आ रही है, रुबेला में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनेशन है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि वो PDA करा रही है, बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज वो रुबेला है, रुबेला फर्स्ट वीक में हो जाए तो करनी होती है टर्मिनेशन. ठीक है, तो ये आपका माइंड मैप है एम्ब्रियो का. और हर इनोमली ऐसा नहीं होता कि बस मुंह उठा के हो जाए, एक एनोमली का एक एनोमली को रीड करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि ये एनोमली तो ड्रग की वजह से ही हो सकती है. आप देखेंगे फार्मा में कि कुछ एनोमलीज ऐसी हैं जो वारफरिन सिंड्रोम के साथ ही आएंगी, कुछ ऐसी हैं जो अल्कोहल के साथ ही आएंगी, हम कुछ और सोच ही नहीं सकते. कुछ एनोमलीज हैं जो लिथियम के साथ ही आएंगी, हम कुछ और सोच ही नहीं सकते. तो वारफरिन को लिथियम की एनोमलीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आपके एग्जाम में वारफरिन अल्कोहल लिथियम के ही कोई 10 क्वेश्चन आते हैं हमेशा से और आएंगे भी आपके. इनमें किस तरह की एनोमलीज होती हैं, कौन सा यू नो सिस्टम इम्पैक्ट होता है, क्यों होता है, ये हम देखेंगे. अच्छा, बाकी ये डाउन सिंड्रोम, अब ये तो ड्रग्स रिलेटेड एनोमलीज थी. ठीक है, हमें पता है कि इनका एक स्पेसिफिक ना पैटर्न है कैसे आती हैं. इसी तरह कुछ एनोमलीज हैं जो इन्फेक्शन से आती हैं, जैसे बात की रुबेला की, CMV की या टॉक्सो की बात करेंगे. कुछ सिंड्रोम में आती हैं, वो भी हम आराम से कर सकते हैं, है ना. एक बच्चा जो IUGR हो गया है और साथ में उसका पोली है, हम तो उसमें ओलिगो सस्पेक्ट करते हैं ना IUGR में, अब पोली है, एनोमलीज भी है और एनोमलीज भी स्पेसिफिक पैटर्न है, नकल थिकनेस ज्यादा है, दिस इज बिकॉज ऑफ यू नो सम सिंड्रोम को ये ब्लडी यू नो इनपुट लेना है. तो हर चीज समझ आती है, नो वरीज. तो जो MRCOG 1 में अगर हम एम्ब्रियो के अंदाज से पढ़ेंगे तो हम MRCOG 2 और 3 में उसको यू नो इंटरप्रेट कर पाएंगे. तो दैट्स वाई जो स्पेशलिटी ओरिएंटेड है ये एग्जाम MRCOG 1 का, हमने जो चीजें 2 और 3 में ट्रीट करनी है हमने उन्हीं की बेसिक पढ़नी है. हमने कान की नॉर्मली, नाक की नॉर्मली नहीं देखनी. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा ना जर्नल सा ओवरव्यू करा रही हूँ. पहले तो मैं पूरी स्लाइड्स को ओवरव्यू कराऊंगी ताकि आपको पता हो कि एंड तक हमने क्या करना है. ठीक है, फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो दिखा दी है. वो वीडियो सिर्फ एक दफा देख के गुजारा नहीं होगा, वो 2-3 दफा देखेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो अभी हम पढ़ेंगे कि फेजेस क्या है डेवलपमेंट की, फेटल या डेवलप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फेटल लाइफ में क्या कुछ होता है. फिर
we will see various like वैसे तो ये साइट उसका बनता है पार्ट नॉट हमारे ऐसा नहीं कह सकते एनेटमी का उसका एम्ब्रियो का पार्ट है बट एस्ट्रोलॉजी तो आती है एनेटमी में तो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ हमने ये देखना होता है कि इनकी एपिथीलियम कैसी है और वो सबकी नहीं देखनी सिर्फ जेनिटल ट्रैक्ट की एपिथीलियम है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एम्ब्रियो में ना अब तुम कहोगे मैडम ने मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों डाल दिया था डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्लेसेंटा ये आपका दिल है आप इसको एम्ब्रियो में करें एनाटॉमी में करें फिजियो में करें पैथो में करें ये हर जगह ही आने वाला है तो हम इनको हर लिहाज से एक ही दफा ना कर दें जान छोड़ दें तो यही कोशिश की है कि मेंस्ट्रुएशन की एम्ब्रियो से स्टार्ट करें कि इसमें क्या फोलिकुलोजेनेसिस है ओवोजेनेसिस है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है एनाटॉमी में क्या है कौन से एंडोमेट्रियम की लेयर्स हैं फिजियो में क्या साइकल्स हैं और एंडो में कौन से हार्मोन्स हैं और पैथो में क्या एंडोमेट्रियल बायोप्सीज से हमने इंटरप्रेट करना है साइकिल को और फार्मा में क्या है अब देखो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से आता है ना तभी कॉन्ट्रासेप्शन आती है तभी एचएमबी की ट्रीटमेंट आती है तभी एबनॉर्मल साइकिल की ट्रीटमेंट आती है तभी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट आती है तभी पीएमएस की ट्रीटमेंट आती है तभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूरोगाइनी में मेनोपॉज या रिलेटेड इश्यूज समझ आते हैं या पीसीओ समझ आती है मींस अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एमआरसीजी 1 में नहीं आती यू कांट ट्रीट सो मेनी 50% बीमारियां तो आप ट्रीट ही नहीं कर सकते वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट है सिर्फ एम्ब्रियो तक लिमिटेड नहीं रखी इसको मैंने ना सिस्टम वाइज ही बढ़ाना है ताकि एक ही दफा में प्रॉपर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर ओवोजेनेसिस की बात होगी फोलिकल्स और फोलिकुलोजेनेसिस ओवोजेनेसिस में क्या फर्क है फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में क्या फर्क है अगर ये सब कुछ बन भी गया तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसी होगी फर्टिलाइजेशन की फेजेस हैं उसके बारे में बात होगी लेयर्स कौन कौन सी पेनिट्रेट करता है स्पर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात होगी फिर फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट पे बात होगी ठीक है तो जैसे मेरी बात बताओ मेरी बात सुनो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है जब साइकिल स्टार्ट हुआ और ओवुलेशन होती है हमारी डे 14 पे और फर्टिलाइजेशन भी विद इन 24 आवर हो जाती है इम्प्लांटेशन होती है थर्ड वीक में जाके तो अगर हम देखें ना कंसेप्शन से लेके 2 वीक तक वो होता है प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड एलएमपी के साथ में इसको कोरिलेट करना टोटल जेस्टेशनल एज में एलएमपी वाले शुरू के 2 हफ्ते आते हैं उससे जो कि ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन तो 2 हफ्ते के बाद हुई है ठीक है तो आप जो डेज का हिसाब किताब खराब करते हो ना तो उसके लिए बता रही हूँ तो आपने कंसेप्शन से 2 वीक वो प्री एम्ब्रियोनिक फेज लेना है ठीक है फिर वीक 2 से वीक 8 तक एम्ब्रियोनिक पीरियड लेना है फिर वीक 9 to birth आपने फिटल पीरियड लेना है ये मैंने एसेंशियल से लिया है इस टेबल को बल्कि मोर स्पेसिफिकली आप इसको ऐसे करें मैम आपने अभी कहा कि जो मेंस्ट्रुअल जो एलएमपी के बाद की 2 वीक्स है वो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में नहीं आते नहीं प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो आएंगे लेकिन फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या इम्प्लांटेशन में तो नहीं आएंगे ना हमने जो एम्ब्रियो पढ़ी है वो ओवुलेशन के बाद से पढ़नी है मेरा कहने का मकसद क्या है बिफोर ओवुलेशन नहीं पढ़नी बिफोर ओवुलेशन हम उसको पढ़ेंगे इन मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइक फोलिकुलर फेज या आप उसे कह लें प्रोलिफरेटिव फेज मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ा सा होल्ड करें मैं सबको रिव्यू दे रही हूँ है ना हाँ देखिए तो ये तो डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो जर्मिनल स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज है एम्ब्रियो बनने के बाद फिर फीटल स्टेज है ठीक है अच्छा जो जर्मिनल स्टेज है इसमें कंसेप्शन होगी इम्प्लांटेशन होगी और प्लेसेंटा बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है वाइटल ऑर्गन्स बनते हैं सिस्टम डेवलप होते हैं फिर 2 मंथ्स पूरे हो गए मतलब 8 वीक्स 8 वीक्स तक आपके जो मेजर यू नो डेवलपमेंट होनी होती है वो हो जाती है आफ्टर दिस बॉडी ग्रो करती है ठीक है और फिर टिल टर्म उसकी ग्रोथ होती रहती है फिर वीक 4 हार्ट बिगन्स टू बीट आर्म बर्ड्स बन जाते हैं लीवर पैंक्रियाज गॉल ब्लैडर स्टार्ट टू फॉर्म स्प्लीन बन जाती है वीक 5 में आईज बन जाती हैं
लेग बड्स बन जाते हैं, वीक सिक्स में लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, वीक सेवन में हेयर फॉलिकल्स बन जाती हैं, वीक एट में फेस स्टार्ट हो जाता है बनना, ठीक है। तो अच्छा अभी तो हम थे चले फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, फिर उसके कुछ स्टेप्स हैं, बड़े एमसीक्यूज आते हैं इससे, फिर इसके बाद हाँ फर्टिलाइजेशन, इसके बाद एक कुछ आवाज आ रही है, ये एक वीडियो देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा फिर फर्स्ट वीक फिर फर्स्ट वीक में क्या हो गया, इम्प्लांटेशन होगी, इसके इवेंट्स करेंगे। आफ्टर दिस कुछ क्लिनिकल चीज़ें हैं जो कि मे भी क्लिनिकल मैनेजमेंट में बतानी चाहिए, बताऊंगी भी, बताई हैं भी, लेकिन रीइंफोर्स कर दूंगी विद एमडीओ के साथ ताकि साथ के साथ कवर हो जाए। बाकी सेकंड वीक की डेवलपमेंट आ गई, इसमें क्या होता है, ठीक है, इनर सेल मास बनता है या आउटर सेल मास बनता है। फिर थर्ड वीक में क्या, गैस्ट्रोलेशन होती है, न्यूरोलेशन होती है, सेलोम्स बनते हैं, विलाइज बनते हैं, प्लेसेंटा की मेजर डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद थर्ड वीक के इवेंट्स आ जाएंगे। आफ्टर दिस गैस्ट्रोलेशन पे बात होगी, जो ये वेरियस एपिडर्मिस से क्या कुछ बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बात होगी। और न्यूरोलेशन पे बात होगी, विलाइज पे बात होगी, नोटोकॉर्ड्स पे बात होगी। तो थर्ड वीक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है, सारे अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वीक को कंपेयर करूं तो थर्ड वीक इम्पोर्टेंट है, मेजर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। फोर्थ वीक में फाइनेंशियल आर्चीज आ जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये निमोनिक से हल होता है वरना बड़ा मुश्किल है कर लेंगे इसके निमोनिक। ओके फिर डेरिवेटिव्स आ जाएंगे मेसोडर्म के, एंडोडर्म के, एक्टोडर्म के। और फिर इसके बाद हाँ प्लेसेंटा आ जाएगा। अब मैंने आपको दो चीजें डिटेल में बतानी थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और अबाउट प्लेसेंटा, वो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। इनकी अंडरस्टैंडिंग जितनी क्रिस्टल एंड क्लियर होगी, आपकी जो एमसीक्यूज की अप्रोच है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो आज कोशिश करूंगी ये दो मेजर टॉपिक्स डिटेल करें और बाकी थोड़ा क्विकली कर लेंगे। फिर प्लेसेंटा बड़ा ही आता है पेपर में, इसकी एनाटॉमी एम्ब्रियो, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियो, इसकी पैथो, और पैथोलॉजी में वो सारे एक्रीटा स्क्रीटा। फिर एम्ब्लाइकल कार्ड के प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन सी कहाँ चिपकी है जाके। तो प्लेसेंटा मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही कोई 10-12 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना वर्क लिथियम और अल्कोहल से आते हैं। प्लेसेंटा ही चल रहा है, ये आपका ना स्टडी मटेरियल है, ये एक एक चीज पढ़ानी नहीं है, मैं थोड़ा इसको रैपिड लेके चलूंगी, बट ये स्टडी मटेरियल आपने एक दफा गो थ्रू करना है स्क्रीन से प्रिंट आउट लेके इसका, ठीक है। फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की डेवलपमेंट आ जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम आ गया ये। फिर मेल और फीमेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल था। अच्छा फिर जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, हर टेबल यू नो एनरिच्ड है विद बजवर्ड्स। तो अगर एम्ब्रियो में से क्वेश्चन आते हैं या थर्ड वीक से आते हैं या फिर जेनिटल यूरिनरी सिस्टम से आते हैं, ये मैं बता दूं, मतलब अगर एम्ब्रियो में भी तुम लोगों ने कोई तोड़ लगाना है कि चलो इसमें भी कुछ स्क्वीज कर रहे हैं, यू क्यूज किया है, तो वो थर्ड वीक और जेनिटल एंड यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। चलिए अब मैंने बोला था कि पहले तो मैं रैपिड रिव्यू करवाऊंगी कि आपके पूरा माइंड मैप बन जाए एम्ब्रियो में क्या है, फिर हम एक ना वीडियो से स्टार्ट करेंगे। 20 मिनट की ये वीडियो है, यूट्यूब से ही ली है मैंने, ठीक है, और आप चाहें तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी इन 20 मिनट्स, या आप अभी देख लें मेरे साथ, लेकिन इससे आपकी जो है ये स्टोरी जो है ना वो अच्छी स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो की, ठीक है। स्टार्ट विद अ स्टोरी, अभी मैं जिसने पहली दफा करना है ना उसको ये समझ नहीं आने वाला वैसे ना, 2-3 दफा इसको सुनना पड़ेगा। चलो सुनते हैं। अच्छा इसमें ना वो बता भी रहा है, लिखा भी हुआ है, अब आपने सुननी है, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। ये देखिए नीचे जो बोल रहा है ना लिखा हुआ भी आ रहा है,
आपको नहीं समझ आएगा, मैंने बोला ना यूट्यूब पे भी है, इसको स्लो मोड पे सुन लें, इसी रिकॉर्डिंग से 2-3 दफा सुन लें, 2-3 दफा सुनोगे तभी समझ आएगी अगर पहली दफा कर रहे हो। अगर फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे तो फिर ये एक ही दफा में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बता देगा 20 मिनट्स में चारों हफ्तों की डेवलपमेंट, लेकिन इसको देखने के बाद जब हम इसको पढ़ेंगे वीक 1 से लेके वीक 4 तक, तो फिर हम इस चीज ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये जो बंदा बोल रहा है इसकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट में अभी ऑन करती हूँ। वीडियो की आवाज नहीं आ रही। आ रही है वीडियो की आ रही। वीडियो की भी आवाज नहीं आ रही जो मतलब बोल रहा। अब आएगी देखो। When ejaculation आ रही occurs during intercourse, जी जी अब आ रही है मैम, अब आ रही है। शुरू से प्लीज इसको प्ले कर दीजिए ताकि हम शुरू को सुन सकें। शुरू से लगा रही। When ejaculation occurs during intercourse, approximately 200 million sperm or spermatozoa are deposited into the vagina. They swim through the cervix, propelled by whip-like motions of their tails or flagella, after which muscular contractions of the uterus direct them to the uterine tubes. This process usually takes between 30 minutes and 2 hours. Only around 200 spermatozoa will reach the secondary oocyte in the uterine tube, and of these, only one fertilizes. Fertilization cannot occur until two processes have taken place: capacitation and the acrosomal reaction. These can take several hours. Capacitation is not fully understood, but secretions from the uterus wall and uterine tube destabilize the plasma membrane surrounding the head of the spermatozoa, or acrosome, resulting in the membrane becoming more fluid, which helps to prepare the spermatozoa for the events of fertilization. The spermatozoa become hyperactive. Their flagella beat more frequently, and their heads move laterally. The capacitated spermatozoa move through the corona radiata, a dense layer of granular cells surrounding the oocyte, and come in contact with the zona pellucida. The zona pellucida expresses specific receptor proteins called CP3, which binds to proteins expressed in the heads of the spermatozoa. The binding of CP3 triggers the acrosome reaction, during which the enzymatic contents of the acrosome release. These enzymes help to digest a path through the zona pellucida, allowing the spermatozoa to enter the perivitellin space and reach the plasma membrane of the secondary oocyte with which it fuses. अब वीडियो नहीं आ रही, स्टैटिक वीडियो हो गई है मैम. Zona penetrates the zona pellucida and fuses. आ जाएगी थोड़ा सा. देख लें एक सेकेंड या एक मिनट में बताती हूँ। Fuses with the oocyte membrane
fusion of the spermatocyte membrane activates a fast and a slow block to polyspermy. During fast blocked polyspermy, after fusion, the oocyte membrane depolarizes, preventing other spermatozoa from fusing with it. Slow blocked polyspermy is also stimulated by this depolarization. During slow blocked polyspermy, a wave of intracellular calcium is released, causing small cortical granules beneath the oocyte membrane to release their contents, rendering ZP3 inactive and making the zona pellucida impermeable. Upon the spermatozoan entering, the oocyte undergoes meiosis II and further develops into the female pronucleus. During this time, the sperm develops into the male pronucleus, and the two pronuclei fused form a single diploid nucleus, or zygote. After produces two identical cells called blastomeres. This cell division continues, and by day three, there is a cluster of 16 identical blastomeres. This is known as the morula. The morula enters the cavity of the uterus around day four. At this point, around the 32-cell stage, a fluid known as uterine milk starts to penetrate the zona pellucida to nourish the blastomeres. The blastomeres continue to divide, and as more uterine milk enters the morula, they develop a central fluid-filled cavity, known as the blastocyst cavity, or blastocele. Around day five, after the development of the blastocyst cavity, the developing embryo is known as a blastocyst. Around this time, the zona pellucida degenerates, and the blastocyst hatches into the uterine cavity, ready to implant into the uterine wall. Implantation occurs approximately 6 to 7 days after fertilization, but can only occur if the endometrial wall is sufficiently prepared by the correct levels of hormones. The blastocyst usually implants in the posterior portion of the fundus of the uterus. Initially, the blastocyst attaches loosely to the endometrial wall, but this attachment becomes stronger as the blastocyst burrows into the endometrium, and the endometrium increasingly vascularized. Eventually, the blastocyst is completely embedded within the endometrium, at which point the endometrium becomes known as the decidua. The regions of the decidua have specific names relative to the site of blastocyst implantation. The area between the embryo and the stratum basalis is known as the decidua basalis. The area between the embryo and the uterine cavity is the decidua capsularis, and the remaining area is known as the decidua parietalis. Implantation of the blastocyst usually occurs 6 to 8 days after fertilization. By the end of day eight, the blastocyst has burrowed into the endometrium of the uterus. At this time, it is composed of two main components, the outer cell mass, the trophoblast, and the inner cell mass, the embryoblast. As the trophoblast makes contact with the endometrium, it differentiates into two layers, an inner cytotrophoblast and an outer syncytiotrophoblast. The embryoblast differentiates into a bilaminar embryonic disc composed of two cell layers, the hypoblast and the epiblast. Soon after the embryonic disc has formed, a cavity begins to appear between the epiblast and the cytotrophoblast, known as the amniotic cavity. Cells originating from the hypoblast begin to migrate, forming a thin membrane, which covers the inner surface of the cytotrophoblast.
This is called the exocoelomic membrane. The exocoelomic membrane and cells of the hypoblast together form the walls of the primitive yolk sac. By day 9, the blastocyst is completely embedded in the uterus wall. At this stage of development, the growth of the syncytial trophoblast and cytotrophoblast is much quicker than the bilaminar embryonic disc. Small holes called lacunae begin to form in the syncytial trophoblast as it continues to expand. By day 12, the lacunae stop growing and fuse to form large interconnecting spaces called lacunar networks. Capillaries in the endometrium surrounding the developing embryo dilate, forming fertile sinusoids. As the syncytial trophoblast continues to expand, enzymes begin to erode the lining of the sinusoids and uterine glands, allowing maternal blood and uterine secretions to flow into the lacunar networks, establishing a uteroplacental circulation. The blood and uterine secretions only come into close proximity to the embryo, allowing the exchange of gases and metabolites. Around the same time, a new population of cells appear between the inner surface of the cytotrophoblast and the outer surface of the primitive yolk sac, known as the extraembryonic mesoderm. Large cavities begin to appear in the extraembryonic mesoderm. These gradually fuse to form one single cavity, called the chorionic cavity, around 13 days after fertilization. Ma'am, video stuck hai aur bilkul awaaz jo hai koi video nahi nazar aa rahi. Please, ma'am. Forming a smaller cavity, the secondary. Sabke saath aisa hai ya sirf aapke saath aisa hai? मैम सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है मैम सबके साथ ऐसा है हां मैम हम काफी देर हां वीडियो स्टक है अभी भी अच्छा मेरी तरफ से तो चल रही थी अभी ये डे 13 नजर आ रहा है सेकेंडरी योक सेक नजर आ रही है आप लोगों को नो मैम कैपेसिटेशन से आगे तो वीडियो गई ही नहीं जहां से आपने ऑडियो ऑन की थी ना वहीं पे वीडियो वो उस वहां से वीडियो पॉज हो गई है ओके लेट मी फिक्स इट नो वरीज आप मुझे पहले बताते contractions of the uterus direct them to the uterus. This process usually takes between 30 minutes and 2 hours. Only around 200 spermatozoa will reach the secondary oocyte in the uterine tube, and of these, only one cannot occur until two processes have taken place. Okay. Capacitation and the acrosome. आप लोगों का ना लिंक शेयर कर दूंगी और आप लोगों ने देख लेनी है बाद में लेकिन देखनी जरूर है क्योंकि जो excuse me, what if आप हमें अभी लिंक शेयर कर दीजिए हमारे जो Zoom चैट है उसमें हम अभी 10 से 15 मिनट में वीडियो देख कर फिर ज्वाइन बैक कर लेते हैं into the vagina. They swim through the cervix, propelled by whip-like motions of their tails, or flagella, after which muscular contractions of the uterus direct them to the uterine tube. This process usually takes between 30 minutes and 2 hours. अच्छा ये वीडियो देखते हुए आपने ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी है मैं बाद में पूछूंगी कि ZP3 क्या है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कब बनती है क्लीवेज किस कितने आर्स पे हुई थी एमनियोटिक कैविटी किस तरह बनी किस स्ट्रक्चर से बनी एक्सोसिलोमिक या जो थी मेम्ब्रेन वो कैसे बनी इम्प्लांटेशन कहाँ होती है यूट्रस के किस दीवार पे या वाल पे होती है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब इस्टेब्लिश होती है और कोरियोनिक विलाई कैसे बनता है तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है सुनते हुए ये चीजें नोट डाउन करनी है कि किस डे पे क्या इवेंट हो रहा है ठीक है तो आवाज okay, अब इंशाल्लाह आएगी दोबारा शुरू से लगा रही हूँ
ovulation occurs during intercourse, approximately 200 million sperm, or spermatozoa, are deposited into the vagina. They swim through the cervix, propelled by whip-like motions of their tails, or flagella, after which muscular contractions of the uterus direct them to the uterine tubes. This process usually takes between 30 minutes and 2 hours. Only around 200 spermatozoa will reach the secondary oocyte in the uterine tube, and of these, only one will fertilize. Fertilization cannot occur until two processes have taken place, capacitation and the acrosomal reaction. These can take several hours. Capacitation is not fully understood, but secretions from the uterus wall and uterine tube destabilize the plasma membrane surrounding the head of the spermatozoa, or acrosome, resulting in the membrane becoming more fluid, which helps to prepare the spermatozoa for the events of fertilization. The spermatozoa become hyperactive. Their flagella beat more frequently and their heads move laterally. The capacitated spermatozoa move through the corona radiata, a dense layer of granulosa cells surrounding the oocyte, and come into contact with the zona pellucida. The zona pellucida expresses specific receptor proteins called CP3, which binds to proteins expressed in the heads of the spermatozoa. The binding of CP3 triggers the acrosome reaction, during which the enzymatic contents of the acrosome are released. These enzymes help to digest a path through the zona pellucida, allowing the spermatozoa to enter the perimetallin space and reach the plasma membrane of the secondary oocyte with which it fuses. To ensure that only one spermatozoa penetrates the zona pellucida and fuses with the oocyte membrane, fusion of the spermatozoa and the oocyte membranes activates a fast and a slow block to polyspermy. During fast block to polyspermy, after fusion, the oocyte membrane depolarizes, preventing other spermatozoa from fusing with it. Slow block to polyspermy is also stimulated by this depolarization. During slow block to polyspermy, a wave of intracellular calcium is released, causing small cortical granules beneath the oocyte membrane to release their contents, rendering CP3 inactive and making the zona pellucida impermeable. Upon the spermatozoan entering, the oocyte undergoes meiosis II and further develops into the female pronucleus. During this time, the sperm develops into the male pronucleus, and the two pronuclei fuse to form a single diploid nucleus, or zygote. Are you sick of flipping pages to learn anatomy? Are you bored of After fertilization, the zygote undergoes rapid mitotic division, known as cleavage. The first cleavage, completed about 30 hours after fertilization, produces two identical cells called blastomeres. This cell division continues, and by day 3, there is a cluster of 16 identical blastomeres. This is known as the morula. The morula enters the cavity of the uterus around day 4. At this point, around the 32-cell stage, a fluid known as uterine milk starts to penetrate the zona pellucida to nourish the blastomeres. The blastomeres continue to divide, and as more uterine milk enters the morula, they develop a central fluid-filled cavity known as the blastocyst cavity, or blastocene. Around day 5,
after the development of the blastocyst cavity. The developing embryo is known as a blastocyst. Around this time, the zona pollutica degenerates and the blastocyst attaches into the uterine cavity, ready to implant into the uterine wall. Implantation occurs approximately 6 to 7 days after fertilization, but can only occur if the endometrial wall is sufficiently prepared by the correct levels of hormones. The blastocysts usually implant in the posterior portion of the fundus of the uterus. Initially, the blastocyst attaches loosely to the endometrial wall, but this attachment becomes stronger as the blastocyst burrows into the endometrium, and the endometrium becomes increasingly vascularized. Eventually, the blastocyst is completely embedded within the endometrium, at which point the endometrium becomes known as the decidua. The regions of the decidua have specific names relative to the site of blastocyst implantation. The area between the embryo and the stratum basalis is known as the decidua basalis. The area between the embryo and the uterine cavity is the decidua capsularis. And the remaining area is known as the decidua parietalis. Implantation of the blastocyst usually occurs 6 to 8 days after fertilization. By the end of day 8, the blastocyst has burrowed into the endometrium of the uterus. At this time, it is composed of two main components, the outer cell mass, the trophoblast, and the inner cell mass, the embryoblast. As the trophoblast makes contact with the endometrium, it differentiates into two layers, an inner cytotrophoblast and an outer syncytiotrophoblast. The embryoblast differentiates into a bilaminar embryonic disc composed of two cell layers, the hypoblast and the epiblast. Soon after the embryonic disc has formed, a cavity begins to appear between the epiblast and the cytotrophoblast, known as the amniotic cavity. Cells originating from the hypoblast begin to migrate, forming a thin membrane, which covers the inner surface of the cytotrophoblast. This is called the exocoelomic membrane. The exocoelomic membrane and cells of the hypoblast together form the walls of the primitive yolk sac. By day 9, the blastocyst is completely embedded in the uterus wall. At this stage of development, the growth of the syncytiotrophoblast and cytotrophoblast is much quicker than the bilaminar embryonic disc. Small holes called lacunae begin to form in the syncytiotrophoblast as it continues to expand. By day 12, the lacunae stop growing and fuse to form large interconnecting spaces called lacunar networks. Capillaries in the endometrium surrounding the developing embryo dilate, forming maternal sinusoids. As the syncytiotrophoblast continues to expand, enzymes begin to erode the lining of the sinusoids and uterine glands, allowing maternal blood and uterine secretions to flow into the lacunar networks, establishing a uteroplacental circulation. The blood and uterine secretions only come into close proximity to the embryo, allowing the exchange of gases and metabolites. Around the same time, a new population of cells appear between the inner surface of the cytotrophoblast and the outer surface of the primitive yolk sac, known as the extraembryonic mesoderm. Large cavities begin to appear in the extraembryonic mesoderm. These gradually fuse to form one single cavity, called the chorionic cavity, around 13 days after fertilization. A large portion of the exocoelomic cavity is pinched off, forming a smaller cavity, the secondary yolk sac.
By the end of the second week of development, the chorionic cavity enlarges, and the bilaminar embryonic disc is joined to the trophoblast by a band of extra-embryonic mesoderm called the connecting stalk, the future umbilical cord. आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही थी अभी तक. यस मैम आ रही है. द सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट द बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ द हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट हैज फॉर्मड. थ्रूआउट द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट दिस बाइलैमिनर डिस्क डिफरेंशिएट्स टू एस्टैब्लिश थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स इन अ प्रोसेस नोन as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline of the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head, and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards toward the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing three distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is final. The first event of neurulation is the formation of a thickened area of cells called the neural plate. The neural plate forms at the cranial end of the embryo and grows in a cranial to caudal direction. The cranial or head end of the neural plate indicates the region of the future brain, and the narrower caudal or tail end represents the future region of the spinal cord. By the end of the third week of development, the lateral edges of the neural plate become elevated and move together to form the neural folds. The resulting space created by the folding of the neural plate is called the neural groove. The neural folds fuse together, and the neural plate transforms into the neural tube, the precursor to the central nervous system. Fusion of the neural tube usually begins in the middle of the embryo, extending in both cranial and caudal directions,
During the closure of the neural tube, cells on the crest of the neural folds detach, forming a new cell population called the neural crest. These cells contribute to the formation of the peripheral nervous system. Once the neural tube has completely fused, the process of neurulation is complete. During the fourth week of development, a period of rapid growth, the embryo begins to change shape from a flat trilaminar disc into a cylinder, a process known as embryonic folding. Embryonic folding occurs in two planes, the horizontal plane and the median plane, and is the result of differing rates of growth of the embryonic structures. Folding of the embryo in the horizontal plane results in the development of two lateral body folds. Folding in the median plane results in the development of the cranial and caudal folds. Folding in both of these planes takes place simultaneously, resulting in the rapid development of the embryo. The cylinder consists of three layers derived from the trilaminar embryonic disc. These are the endoderm, the innermost layer, the ectoderm, the outermost layer, and the mesoderm, located in between. The endoderm of the trilaminar disc is mainly responsible for the formation of the gastrointestinal tract. As embryonic folding continues, the endoderm moves towards the midline and fuses, incorporating the dorsal part of the yolk sac to create the primitive gut tube. The primitive gut tube differentiates to three main parts: foregut, midgut, and hindgut. The foregut can be seen at the cranial or head end of the embryo. It is temporarily closed by the oropharyngeal membrane, which at the end of the fourth week of development ruptures to form the mouth. The midgut lies between the fore and hindgut and remains connected to the yolk sac until the fifth week of development. As embryonic folding continues, the connection to the yolk sac narrows into a stalk known as the vitellin duct. The hindgut lies at the caudal or tail end of the embryo. It is temporarily closed by the cloacal membrane, which during the seventh week of development ruptures to form the urogenital and anal openings. As a result of embryonic folding, the major body plan is established and the three germ layers continue to differentiate, giving rise to their own specific tissue and organ systems. जी कुछ कुछ समझ आया होगा हेलो जी जी हम समझ में आए हैं थोड़ा थोड़ा समझ आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाउंडेशन बनेगी एम्ब्रियो अगर आप पहली दफा कर रहे हो ना तो इसके लिए इमेजिनेशन काउंट करती है कि क्या चीज कहाँ मूव कर रही है वरना तो प्लेन ना उसमें सिर्फ क्रैमिंग हो जाती है फिर क्रैमिंग करने से ये होता है कि जब माइंड पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ता है तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो एम्ब्रियो अच्छी आती है तभी तो फिर एनाटॉमी अच्छी आएगी पता नहीं चलेगा कि फिर इसकी ब्लड सप्लाई किया है लिम्फेटिक सप्लाई किया है ठीक है तो एम्ब्रियो की थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके एनाटॉमी में काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी वरना कंपनसेशन फिर एनाटॉमी में रट्टा मारने से होगी तो एम्ब्रियो में एफर्ट करनी है ताकि एनाटॉमी में एफर्ट कम लगे ठीक है क्योंकि जो चीज जहां से ड्राइव हुई है वो वहीं से तो लेके जाएगी अपनी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई भी तो ये स्टोरी 20 मिनट की स्टोरी है जस्ट बट इट विल मेक योर लाइफ सुपर इजी
तो लिंक में शेयर कर दूंगी, दो या तीन दफा आप इसको सुन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट काम है ना जो आपने एग्जाम के हवाले से देखना है वो ये है कि 30 आवर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है ना क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, डे 3 पे क्या होता है मोरूला बन जाता है, ठीक है। अच्छा डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है और यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाती है बट इम्प्लांट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा डे 6 पे क्या होता है इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है। अब ये जो कंसेप्ट है ना ब्लास्टोसिस्ट का, अगर इसका कंसेप्ट अच्छा है तो फिर IVF भी अच्छा है, कि यूजुअली जब हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो डे 3 पे भी कर सकते हैं एम्ब्रोला में भी और डे 5 में भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी इम्प्लांटेशन होती है ना वो डे 5 पे होती है ब्लास्टोसिस्ट में, क्योंकि जिन्होंने सर्वाइव करना होता है एम्ब्रियोज ने वो मोरोला से आगे ब्लास्टोसिस्ट में जाते ही नहीं है, डाई कर जाते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच जाते हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इम्प्लांट भी हो, वो अच्छे उनकी अच्छा होता है जेनेटिक मेकअप, उनमें सर्वाइवल ज्यादा होती है। अच्छा बाकी डिफरेंट बायोप्सीज भी हम ब्लास्टोसिस्ट फेज में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए हम डिफरेंट बायोप्सीज लेते हैं। तो ये फर्स्ट वीक के इवेंट्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग से अभी होंगे, जस्ट टू मेक यू थिंग्स मोर इंटरेस्टेड मैं दिखा रही हूँ कि आपके जो एग्जाम में पिक्चर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पिक्चर लगी हुई कि भाई ये क्या है, ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है इनर सेल मैस है पर उधर नहीं लिखा हुआ होता, तो आप कहोगे कि भाई ये इनर सेल मैस है। फिर अगर हम देखें थोड़ा सा इसको कि टू सेल स्टेज क्या है, फोर सेल स्टेज क्या है, मोरोला में कितनी स्टेज, 16 सेल स्टेज जो होती है मोरोला में होती है, ठीक है। तो ये आपके MCQs हैं। अच्छा यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो मोनोक्रियानिक मोनोमनियोटिक कब बनते हैं, ठीक है, डे 13 पे बनते हैं। अच्छा डाइक्रियोनिक डायमनियोटिक कब बनते हैं, डे 3 पे जब होती है क्लीविज। तो एक्चुअली क्लीविज डिसाइड करती है कि आउटकम क्या है कोरियोनिसिटी का, ठीक है। कोरियोनिसिटी के लिए बात कर रही हूँ मैं, जायगोसिसिटी को क्लीविज डिसाइड नहीं करती, कीप दैट इन माइंड। अच्छा देखिए मोरोला बन गया, मोरोला की क्लीविज अगर डे 1 से डे 3 में हुई है तो क्या बनेंगे, ठीक है, डाइक्रियोनिक डायमनियोटिक बनेंगे, ठीक है। अच्छा क्लीविज अगर 4 या 8 डेज के दरमियान में हुई है तो क्या बनेगा, मोनोक्रियानिक बनेगा बट स्टिल इट विल बी डायमनियोटिक। तो व्हाट विल हैपन बिटवीन डे 8 एंड 13, इसमें मोनोक्रियानिक और मोनोमनियोटिक बनते हैं, ठीक है। अच्छा आफ्टर डे 13 क्या होगा, कंजॉइंट ट्विन्स बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉल। अच्छा इसमें एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, इसमें ये पूछते हैं कि जो वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उसमें ट्विनिंग का रेट क्या है, ठीक है। तो क्लोमिफिन से इंड्यूस करें तो 10% है, और अगर आप इंड्यूस कर IUI करते हैं और साथ में इंडक्शन भी करते हैं, मतलब इंड्यूस भी करते हैं, तो 20% है, और IVF करते हैं तो फिर ये 30% तक है, क्योंकि IVF में तो हम रखते भी 1 or 2 एम्ब्रियोज है ना। जो IVF में जो ट्विन्स होते हैं दे आर डाइजोगोटिक ट्विन्स, क्योंकि हर अंडा अलग अलग रखते हैं, और जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो होती है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में, ठीक है। बाकी इस ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मेटरनल एज के साथ ट्विन का रेट बढ़ जाता है, अभी लेस देन 20 ईयर पे तो हर 1000 में से 6 थे, 45 के बाद 1000 में 57 लोगों में ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं, ठीक है। बाकी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होती हैं उसमें सिंगल एग की या सिंगल यू नो एम्ब्रियो की जो है वो डुप्लीकेशन होती है, डाइजाइगोटिक में 2 सेपरेट एम्ब्रियोज हैं, ठीक है। तो जो एक अंडे से बन रहे हैं डुप्लीकेशन हो रही है तो उनका तो जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा ना, क्या ख्याल है, मोनोजाइगोटिक ट्विन
एक अंडा है, उसकी जेंडर में कहूँ फीमेल है, तो उससे अगर ट्विन बनता है या ट्रिपलेट बनता है वो सारी फीमेल्स होंगे ना. बट जो डाइजायगोटिक ट्विन्स है उनकी जेंडर डिफरेंट है. अगर अगर मैं ये कहती हूँ ना आपसे कि एक बच्चा लड़का एक लड़की, तो 100% श्योर है कि ये डाइजायगोटिक है. ठीक है, जरूरत ही नहीं है डीएनए कराने की और डिफरेंट जेनेटिक टेस्ट की. लेकिन ये इस चीज की ना श्योरिटी भी नहीं है. लाइक डाइजायगोटिक कोइंसिडेंटली दोनों गर्ल्स भी तो हो सकती है ना, फिर क्या करें. तो सेम जेंडर के नॉट एक्सक्लूड अबाउट कि डाइजायगोटिक है या होमोजायगोटिक है. हाउएवर डिफरेंट जेंडर विल 100% कंफर्म कि ये डाइजायगोटिक है. ठीक है, तो डाइजायगोटिक ट्विन्स रिजल्ट्स फ्रॉम टू सेपरेट ओवा. और ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स भी हो, बाप भी चेंज हो सकता है. बट मोनोजाइगोटिक में बाप भी एक होता है और जेंडर भी एक होती है. ठीक है, अच्छा बाकी जो जो ज्यादा तरह के ट्विन्स हम देखते हैं ना मोर कॉमन, वो होते हैं जो डे फोर और डे फाइव के दरमियान जिनकी क्लीविज होती है, और वो होते हैं मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक 70%. एंड दिस इज योर रिकॉल. इसके बाद आ जाएं कि मोस्ट कॉमन क्या है. जो मोस्ट कॉमन है ना वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है ना दैट आर कॉन्स्टेंट मोनोजाइगोटिक. ठीक है, तो बाकी जो आईवीएफ है इसमें मोनोजाइगोटिक का रेट भी बढ़ता है और डाइजोगेटिक का भी रेट बढ़ता है, और जो एज के साथ बढ़ता है वो मोनोजाइगोटिक होता है. ठीक है, बाकी अच्छा अभी हमने बात की थी दो सेल लेयर्स की ना, तो एक होती है हाइपोब्लास्ट लेयर, एक होती है एपिब्लास्ट लेयर. एपिब्लास्ट लेयर इसको कहते हैं इनर सेल मास, और जो हाइपोब्लास्ट लेयर होती है ये लेयर ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. ठीक है, एंड ये स्मॉल एंड वाइटल सेल्स होते हैं. अच्छा फिर एक क्विज आ गया, मोनोजाइगोटिक डाइक्रोनिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिवीजन अकर्स एट दिस स्टेज. किस स्टेज पे बनते हैं डाइकोरियोनिक? मैंने बताया था ना कि क्लीविज में जायगोसिटी का कोई रोल नहीं है, क्लीविज डिसाइड करती है कोरियोनिसिटी. ठीक है, मोनोजाइगोटिक भी डाइकोरियोनिक और डाइमनियोटिक हो सकते हैं, और जो डाइजायगोटिक है वो तो 100% डाइकोरियोनिक डाइमनियोटिक होंगे. जी कोई बात नहीं, तुम लोगों का भी नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ बी ऑप्शन है मोरोला. ठीक है, तो डे थ्री पे मोरोला के साथ करें, इसमें डाइक्रोनिक डायमनियोटिक बनता है. ये टेबल रट लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है. डे फोर एट में ब्लास्टोसिस्ट फेज होती है, इसमें मोनोक्रियोनिक डायमनियोटिक बनते हैं. डे 9 to 12 में मोनोक्रियोनिक मोनोमनियोटिक, और 13 के बाद कंजॉइंट. तो अभी हमने फर्स्ट वीक में क्या किया, फर्स्ट वीक में क्या हुआ था? यस शुरू से चलते हैं. चले फर्टिलाइजेशन कैसे हुई है, यहां से स्टार्ट करते हैं. फर्टिलाइजेशन होती है, अभी फर्स्ट वीक के साथ करें. फर्स्ट वीक और फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली साइड बाय साइड आएंगे. पहले फर्टिलाइजेशन होगी फिर फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा. तो द फर्स्ट स्टेप इज कीमो अट्रैक्शन, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, उसमें एंजाइम रिलीज होते हैं. फिर क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप्स या कवरिंग्स. फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो पास करते हैं दीज जो ओवा के अंडे के इर्द गिर्द जो लेयर्स है ना उनको पेनिट्रेट करता है ना स्पर्म. तो फिर वो उनको पेनिट्रेट करते हैं. कैसे पेनिट्रेट करते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, कैपेसिटेशन होती है. ठीक है, वो एंजाइम्स आते हैं, वो उनको जो है डैमेज कर देते हैं. फिर क्या होता है, जब वो सारी लेयर्स क्रॉस करके अंदर चला जाता है तो वो जो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है. इसको और उस वक्त जो उसकी शेप होती है उसे कहते हैं प्रोन्यूक्लियाई. और इस वक्त जो स्पर्म्स का हेड में जो मटेरियल होता है वो भी प्रोन्यूक्लियाई होता है. दोनों प्रोन्यूक्लियाई मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जायगोट बन जाता है. यहाँ से जिंदगी शुरू होती है. ठीक है, वैसे तो बात ना इससे पहले की है कि स्पर्म कैसे बना, माइटोसिस हुई, मियोसिस हुई, ओवोसाइट कैसे बना, फिर ये उसके फोलिकल्स कैसे बने, वो मैं आपको बताऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में. ठीक है, तो कहानी तो यू नो उससे भी पहले स्टार्ट होनी चाहिए.
लेकिन जस्ट टू कीप थिंग्स यू नो ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. कि फर्टिलाइजेशन के क्या स्टेप्स हैं. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से मुराद ये है ना कि अंडा और स्पर्म मिले और जायगोट बन जाए, बन गया. ठीक है, अब इसने क्या करना, अब इसने इम्प्लांट होना है. आज एग्जाम में इसके ना लेयर्स याद रखेगा. पहली लेयर है कोरोना रेडिएटा. ठीक है, दूसरी लेयर होती है जूना पेलोस्यूटा, लेयर्स जिसको एग ने पेनिट्रेट करना है. द फर्स्ट वन इज कोरोना रेडिएटा. ठीक है, द सेकेंड वन इज जूना पेलोस्यूटा. ठीक है, फिर आती है प्री वाइट लाइन स्पेस, और फोर्थ पे आती है वाइट लाइन मेम्ब्रेन, और इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर वाइट लाइन मेम्ब्रेन नहीं लिखा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ था, इट्स ओके. ठीक है, तो इसका निमोनिक याद कर लें, इसको सीजीपी भी कर लें, कोरोना रेडिएटा, जूना पेलोस्यूटा, प्री वाइट लाइन स्पेस, वाइट लाइन स्पेस. सीजीपीवी ज्यादा बेहतर है, या सीजीपीपी कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बट ये ऑर्डर आपने मेंटेन रखना. ठीक है, तो क्या फेज थी फर्टिलाइजेशन की, स्पर्म पेनिट्रेट कोरोना ना रेडिएटा, फिर क्या करता है जूना पेलोस्यूटा को पेनिट्रेट करता है, और थर्ड पे क्या करता है स्पर्म ओवोसाइट के जो प्रो न्यूक्लाई होते हैं वो बाउंड आप एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं. मोर जो लेयर्स की डिटेल्स मैंने कहा है वो सीजीपीवी से याद कर लें. टोटल चार लेयर्स पेनिट्रेट करता है स्पर्म टू रीच टूवर्ड्स द ओवम. ठीक है, तो ये फेज वन है, कोरोना रेडिएटा क्रॉस किया उसने बेचारे ने. फिर उसके बाद फेज टू पे जूना पेलोस्यूटा क्रॉस किया, फिर उसने क्या किया प्री वाइट लाइन स्पेस की, और फिर फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. इसी के दौरान जब वो अटैच करता है ना जूना पेलोस्यूटा के साथ, तब एक्रोसोमल रिएक्शन होता है. ठीक है, अच्छा, आपने अभी जब वीडियो में देखा था वो बता रहा था एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं. फिर उसने कैपेसिटेशन भी बताई थी. कैपेसिटेशन क्या होती है और होती कहाँ है, कैपेसिटेशन इनसाइड मेल जेनिटल ट्रैक्ट होती है या इनसाइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होती है स्पर्म की. जब हम IUI करते हैं ना तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं. ठीक है, तो उसको टाइम चाहिए स्पर्म्स को इनसाइड जेनिटल ट्रैक्ट के कैपेसिटेशन भी हो, फटाफट नहीं जाके वो फर्टिलाइज कर देगा. तो आप एटलीस्ट ओवुलेशन से कम से कम 12 घंटे पहले इंसेमिनेशन करते हो. ये नहीं करते बना के ओवुलेशन के साथ ही कर दें, जब तक तो अंडा रिलीज हो जाएगा, वो ज्यादा कैपेसिटेशन भी नहीं होगी उसकी, वो कैसे करेगा उसको फर्टिलाइज. तो ये टाइमिंग का हम ख्याल रखते हैं ड्यूरिंग IUI के, कैपेसिटेशन भी हो. IVF में तो जरूरत ही नहीं कैपेसिटेशन की, खुद ही मिला देते हैं अंडे को पकड़ के, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं उसमें, है ना. बट IUI में तो जरूरत है ना कैपेसिटेशन की, तो इसलिए हम टाइम मार्जिन रखते हैं. बाकी फेज 3 में क्या होता है, फ्यूजन हो जाती है. ठीक है, फ्यूजन के वक्त जो स्टेटस होता है ना वो प्रोन्यूक्लाइक का स्टेटस होता है. फिर उसके बाद फर्दर जो अंडा है, अब मैं आपको बताया नहीं प्राइमोर्डियल फोलिकल से कहानी स्टार्ट नहीं हुई, वो बाद में स्टार्ट होगी. बट इस वक्त जब फर्टिलाइजेशन हो रही है ना अंडे की, इस वक्त जो अंडे का नाम है ना वो है सेकेंडरी ओवोसाइट. और ये किस फेज में था, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में था जो अरेस्ट हुआ हुआ था. अब फर्टिलाइजेशन हो गई तो बस जैसे ही वो स्पर्म एंटर हुआ था सारी लेयर्स को क्रॉस करके प्रोन्यूक्लाई के पास, उस वक्त उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है ना वो जो अरेस्ट फेज में थी वो रिलीज हो जाती है और जो है वो फ्यूज हो जाता है. और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाता है. तो सेकेंड पोलर बॉडी का रिलीज होना इस बात की निशानदेही है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो चुकी है. ठीक है, ये MCQ भी है. अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर जायगोट से क्या बना, जायगोट में क्लीविज हुई है. पहली क्लीविज कब होती है, 30 hours पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, 30 day लिखा हुआ है कहीं, वो गलत है, 30 hours है. फिर 2 cell स्टेज बनेगी अंडे की, फिर 4 cell स्टेज सेल बनेगी, फिर 8 cell बनेगी, फिर 16 बनेगी, इसको हम कहते हैं मोरोला. ठीक है, और फिर इसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोसील डेवलप हो गई, और फिर क्या हुआ जो था इसमें 2 cell लेयर बन गई, एक जिसे एम्ब्रियो बनना है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट. ठीक है, दूसरा बन गया जिसे प्लेसेंटा बनना है. ठीक है, तो दो इनर सेल मास को एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं, आउटर सेल मास को फिर हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट. तो बाकी ये थियोरेटिकल चीजें हैं, चूंकि ये स्टडी मटेरियल भी एक दफा तो आपने रीड करना ही होगा, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ अटैच किया हुआ, पढ़ लीजिएगा. कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, फेज वन में क्या हो रहा है, जूना पेलोस्यूटा क्या होता है,
क्या यूजुअली तो जब अडल्ट जब आफ्टर बर्थ हर ओवरी के पास ना 200,000 होते हैं अंडे और कलेक्टिवली 400,000 होते हैं और उनमें से टोटल ओवुलेशन ड्यूरिंग यू नो बिफोर मेनोपॉज 500 ही होते हैं 500 का साइकिल ही होता है रिप्रोडक्टिव एज में क्योंकि हर एक साल में हम 13 अगर लेते हैं तो फिर रिप्रोडक्टिव ईयर कितने हुआ अगर डे 15 से लेके वो उसकी ओवुलेशन जो कांस्टेंट होती है डे 40 तक ईयर 40 तक होती है उसके बाद तो फिर ओवुलेशन होती है नहीं होती साइकिल स्किप हो जाते हैं है ना एनोवुलेटरी साइकिल्स आ जाते हैं तो 15 ईयर से लेके 40 ईयर तक जितनी ओवुलेशन होती है मिला जुला के अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स ओवुलेशन होती है ठीक है। अच्छा फिर कॉर्टिकल रेप फिर फेस थ्री का उन्होंने बताया है कि फ्यूजन हो जाती है सेकेंडरी ओवोसाइट कंप्लीट कर लेता है म्यूसिस टू को और फिर सेकेंड प्योर बॉडीज की रिलीज हो जाती है और स्पर्मेटाजोआ का जो सिर्फ जो होता है ना हेड इन एंटर होता है टेल पीछे रह जाती है और बाकी क्या होता है बस फिर जैसे जाइगोट बनता है म्यूसिस नहीं होती अब फर्दर सारी डिवीजन होती है माइटोसिस से MCQB है क्योंकि जेनेटिक जो सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस की जरूरत होती है हमें अब तो बन गया जाइगोट अब तो डेवलपमेंट होनी है ठीक है। तो फिर जाइगोट से लेके ब्लास्टोसिस्ट की कहानी क्लीवेज की कहानी ब्लास्टोसील की कहानी ट्रोफोब्लास्ट की कहानी हम कर चुके हैं फिर ह्यूमन डेवलपमेंट डे 407 के बारे में बताया हुआ है उन्होंने इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है ठीक है कुछ ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो यूट्राइन वॉल के साथ बाइंड कर जाता है रिसेप्टर्स होते हैं सेलेक्टिन इंटेग्रिन के ठीक है। फिर इसकी इम्प्लांटेशन कहाँ होती है क्या बता रहे थे वो कौन सी वॉल पे होती है MCQ है आपका पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस पे होती है ठीक है। बाकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होती है डे 6 पे स्टार्ट होती है और कंप्लीट कब होती है डे 8 पे प्रॉपरली डे 12 पे कंप्लीट होती है लेकिन ये भी डे 12 तक ग्रो करते हैं। अच्छा फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए FCPS वाले बताओ कितनी थिकनेस हो हाँ 7 mm आइडियल होनी चाहिए इससे कम है तो इम्प्लांटेशन नहीं होती ठीक है। अच्छा बाकी ये तस्वीरें अच्छी हैं आगे भी चलते रहें जो एम्ब्रियो है ना वो तस्वीरों से ही ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा अभी हमने बात किया था कि भाई लेयर्स हैं काफ़ी सारी जिसको स्पर्म्स ने पेनेट्रेट करना है ठीक है तो पहली लेयर क्या थी कोरोना रेडिएटा उसके बाद थी जोना पेलिसिडा तो क्या सराउंड करता है जोना पेलिसिडा को इंटरना या रेडिएटा रेडिएटा कोरोना रेडिएटा हाँ ये आपका रिकॉल है। अच्छा अभी तो हमने बात की सेकेंडरी ओवोसाइट्स था वो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में रेस्ट था और फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर वो जाइगोट बन गया सेकेंड पोलर बॉडी आउट हो गई। अब हम थोड़ी बात ना स्पर्मेटोजेनेसिस की भी कर लें स्पर्म्स की भी कर लें तो व्हाट डज इट मीन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि स्पर्मेटागोनिया से ना जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म्स के और पेरेंट सेल्स होते हैं उनको उनसे बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स एक से बनते हैं चार ठीक है इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बन गए चार तो फिर जो ये जो बन गए हैं स्पर्मेटेड चार बन गए हैं इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है इनकी दुम निकल आती है सर बन जाता है इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस ठीक है। अच्छा व्हाट इज स्पर्मिएशन इसमें क्या होता है मैच्योर स्पर्मेटिड्स जो होते हैं आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोरी सेल्स इनटू द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल। अब पहले क्या बने स्पर्मेटोजेनेसिस बने मतलब स्पर्मेटागोनिया से स्पर्मेटिड्स बने फिर स्पर्मेटिड्स ने टेल ले ली हेड सही कर लिया अपना उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जब मोटाइल स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोजोआ अब ये रिलीज जब होंगे ना सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल में फ्रॉम सर्टोली सेल्स इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। और कैपेसिटेशन क्या है कैपेसिटेशन ये है कि पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ यू नो चेंजिंग्स आएंगी स्पर्मेटाजोआ में इनसाइड इनटू द जेनिटल फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखनी है। अच्छा फर्टिलाइजेशन का वो पिक्चर लगाई हुई है मैंने फिर आप फर्स्ट वीक पे आए फिर क्या होगा ठीक है तो कंसेप्शन टिल 2 वीक प्री एम्ब्रियोनिक लाइफ है फिर 2 से 8 वीक्स तक एम्ब्रियोनिक पीरियड है ये याद रखने हैं टाइम लाइन और वीक 9 से लेके
ऑनवर्ड फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका मतलब है वीक 8 पे कंप्लीट हो जाती है. अगर मैं कहूँ कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट कब होगा, मतलब इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो कब बन जाएंगी, वीक 14 पे बनेंगी या वीक 8 पे कंप्लीट होंगी? हाँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सारे ऑर्गन्स का वो वीक 8 तक बन चुका होता है. ठीक है, तो दिस इज एम्ब्रियोनिक पीरियड टिल वीक 8. फिर हमने स्टोरी याद, अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है. फिर वो स्टोरी के बाद फिर अच्छा अब क्या होगा, अब इम्प्लांटेशन होती है. इन समरी जायगोट अंडरगो रैपिड डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और ऑफ फार्मिंग अ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट दैट इम्प्लांट्स इनटू द यूट्राइन वॉल विद इन द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ. द डेसीडुआ इज शेड एंड मेंस्ट्रुएशन रिकमेंसेस. अच्छा, जो एंडोमेट्रियम है ना, इसकी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ना दो लेयर्स होती हैं, फंक्शनल लेयर और एक बेसिलस लेयर, यही है ना. तो जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना एंडोमेट्रियम, तो इनकी लेयर्स को हम डेसीडुआ कहते हैं. डेसीडुआ का टर्म प्रेगनेंसी के साथ ही आता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आता, ठीक है. और इसका काम क्या है, इम्प्लांटेशन करना, और डिलीवरी के बाद तो कोई काम नहीं बचा, तो फिर ये शेड हो जाती है. अच्छा, क्लीविज बिगन्स 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या डे लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें. द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल पोस्टीरियर वॉल, है ना, आफ्टर 6 and 7 डेज. दिस इज योर एमसीक्यू कि इम्प्लांटेशन कब होती है. ब्लास्टोसिस्ट डे 5 पे है, इम्प्लांटेशन डे 6 पे है, ठीक है. और इस वक्त जो एंडोमेट्रियम होती है वो यू नो एंडोमेट्रियल की लेयर्स नहीं होती, वो उस एंडोमेट्रियम का नाम है डेसीडुआ. इसकी डेसीडुआ की लेयर है, डेसीडुआ भी बताती हूँ. तीन तरह के डेसीडुआज होते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, मैं बताती हूँ विद पिक्चर. अच्छा, फिर क्या होता है, डेसीडुआ कहेंगे अब एंडोमेट्रियम को आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्योंकि इसमें ऐसे चेंजिंग्स आ जाती हैं कि नाम चेंज हो जाता है. फिर क्या होता है, फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन वाल पे. फिर यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि वो जो यॉक सैक बनी है कब तक उसको फूड प्रोवाइड करेगी. लॉन्गर टर्म चल रहे हैं, 9 months इनसाइड यूट्रस रहना है, तो अपना ही सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट होना है, ठीक है. तो ले देखिए फर्स्ट वीक में जो आपने याद रखनी है चीज़ें वो ये टेबल है, ठीक है. फिर ये भी हो चुका है, ये हमने कर लिया था. हाँ, ये भी हो गया, ये हो गया था. हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट के दो लेयर्स थी, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट, ठीक है, ये भी हमने कर लिया था. टेबल ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब सेकेंड वीक पे आ जाए. सेकेंड वीक में क्या होना है, इन समरी द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है. सेकेंड वीक में कितने दिन आएंगे, 7 दिन ही होंगे ना. तो डे 1 से डे 7, तो फिर डे 6 पे इम्प्लांटेशन हो गई, तो सेकेंड वीक कम्प्लीट कब हो रहा है, डे 12 पे. तो डे 12 आफ्टर फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन, नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बात करेंगे. इम्प्लांटेशन के बाद तो फिर एक हफ्ता तो इम्प्लांटेशन में लग जाता है. तो पहले हफ्ते में इम्प्लांटेशन हुई है, और दूसरे हफ्ते में क्या हुआ है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुई है. पहले हफ्ते में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई है ना, डे 6 पे इम्प्लांट होना शुरू हो गया ब्लास्टोसिस्ट. कंप्लीट कब हुई है, सेकेंड वीक में. अगेन पहले हफ्ते में फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुई है, मोरोला से ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोसील बनी है, ठीक है. अब क्या बनना है, उसमें इनर सेल मैस बना है, आउटर सेल मैस बना है. इनर सेल मतलब उससे एम्ब्रियो की चीजें बनेंगी, आउटर सेल मतलब उससे प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है. सेकेंड वीक में इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगी, और क्या बन रहा है, द बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन रही है, ठीक है. बाई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क दैट विल गिव राइज टू द जर्म लेयर्स दैट फॉर्म द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द एम्ब्रियो. इसके अलावा क्या हो रहा है सेकेंड वीक में, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड एंड ब्लड एंड यूट्राइन सिक्रीशंस फ्लो इनटू द लैक्यूनर नेटवर्क. थर्ड काम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलोमिक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलोमिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोक, एमनियन, अम्बिलिकल वेस्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड, यॉर्क सैक, कनेक्टिंग स्टॉक एंड कोरियोनिक सैक. तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स मतलब बच्चे की चीजें बननी है, बच्चे का स्ट्रक्चर, हेड, है ना, सीवीएस और गट, जीआईटी, जेनिटल सिस्टम, तो ये तो एम्ब्रियोनिक पार्ट है. उसके अराउंड जो चीजें हैं वो फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होगी ना, जैसे एमनियन है, एमनियोटिक कैविटी है, कोरियन है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है. तो ये सब चीजें आपकी इन शॉर्ट सेकेंड वीक में होंगी, ठीक है.
तो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कब बनती है? सेकेंड वीक में. इसमें क्या बनता है? एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. और जो इनर सेल मास था ना, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट, उसकी दो लेयर बन गई, एपी नीचे वाली, ऊपर वाली हाइपो. ठीक है, तो जो बाइलैमिनर है वो सेकेंड वीक में है, दो लेयर्स दूसरा हफ्ता. ठीक है, बाकी टू सेल, फोर सेल, नाइन सेल, 16 सेल, 16 सेल बार बार बता रही हूँ, डे थ्री पे होता है. डे थ्री पे फिर क्या होता है? मोरोला ही होता है ना 16 सेल. और डे थ्री पे अगर क्लीविज हो रही है तो फिर क्या हो रहा है? डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस, अगर ट्विंस बनते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर 16 सेल के बाद 58 सेल, फिर 100 सेल जब होते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस या 107 तक, तो ये है ब्लास्टोसिस्ट. और इसमें ट्रोफोब्लास्ट बन गया, एम्ब्रियोब्लास्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गए. ठीक है, तो अब ये जो मोरोला था, इसे आउटर सेल मैस ट्रोफोब्लास्ट बना, इनर सेल मैस एम्ब्रियोब्लास्ट बना. एम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो बनता है, ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनता है. पहले हफ्ते में ही सारा काम हो गया. दूसरे हफ्ते में ये जो एम्ब्रियो है ना, इसकी मजीद दो लेयर्स बन जाएंगी, एम्ब्रियोब्लास्ट की मजीद टू लेयर्स, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. ठीक है, और सेकेंड वीक में क्या हुआ? टू लेयर्स सेकेंड वीक, सर्कुलेशन स्टार्ट हुई है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बने हैं. ठीक है, ये इवेंट्स याद रखने हैं आपको. अच्छा, सेल ऑफ विच स्ट्रक्चर फॉर्म द कोरियोनिक विलाय? कोरियोनिक विलाय कैसे बनता है? कोरियोन किस तरह बनती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ही है ना? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. नहीं, दिस इज वेरी कॉल. सेकेंड वीक याद रखिएगा, डे सेवन पे क्या होता है? एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनती है. डे एट पे क्या होता है? एमनियोटिक कैविटी बनती है. डे नाइन पे प्राइमरी ओओसैक बनती है. डे 14 पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनती है. ठीक है, इन विद इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. अब ये सीलोम मेसोडर्म जब देखोगे ना वीडियो दोबारा 20 मिनट वाली, तब ये आपको मजीद रीइंफोर्स हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा. अच्छा, फिर क्या होता है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट थे इसमें लैक्यूने बन जाएंगे. ठीक है, और ये लैक्यूने फिर मैटरनल साइनोसाइट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे ताकि यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो. प्लेसेंटा में डिटेल में बताते हैं. फिर डे 13 पे क्या होगा? इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगी. स्टार्ट डे 6 पे हुई है, तो डे 14, 13, डे 12, 13 पे कंप्लीट हो गई. 14 पे फिर बेटा एसिडी की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी. अब प्लेसेंटा बन गया है ना, तो प्लेसेंटा ने तो देना है बेटा एसिडी. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि LHFSH कहाँ से आता है? एंटी पिट्यूटरी से आता है. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है? ओवरी से आता है. बेटा एसिडी कहाँ से आता है? प्लेसेंटा से आता है. प्लेसेंटा से आ रहा था उसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है. तो प्रेगनेंसी में जो टेस्ट करते हैं वो फिर बेटा एसिडी का करेंगे ना. या तो प्रेगनेंसी हुई है या फिर ओवरी के अंदर कुछ ऐसा, कोई ऐसा ट्यूमर बन गया है जो ये ट्यूमर मार्कर दे रहा है, बेटा एसिडी बना रहा है. जेस्टेशनल या नॉन जेस्टेशनल. ठीक है, दो तरीकों के इसके सोर्स हैं. फिर ये तस्वीरें उसी 20 मिनट से मैंने ली हुई हैं ताकि आपको पिक्चर मेमोरी बन जाए कि डे 12 पे क्या हो रहा है. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन रही है. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है. ठीक है, योक सैक के बाहर है और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसके अंदर है. फिर जो ट्रोफोब्लास्ट था उससे भी दो बनते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिटोट्रोफोब्लास्ट. अच्छा, फिर क्या हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको हम कोरियोनिक कैविटी कहते हैं. डे 13 पे सेकेंडरी ओओ सैक बन जाती है. ठीक है, और ये कनेक्टिंग स्टॉक है, ये भी 13 डे पे बन जाती है. तो अब थर्ड वीक पे आ जाते हैं. तो अभी तक हमने फर्स्ट वीक में कहा भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो रही है, सेकेंड वीक में कम्प्लीट हो गई है, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बन गई है और दो एम्ब्रियो के लेयर्स बन गए हैं. थर्ड वीक में मेजर इवेंट्स क्या होंगे? गैस्ट्रोलेशन, मतलब तीन लेयर्स बनना, न्यूरोलेशन होनी. थर्ड वन फिटिंग ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट होती है. ठीक है, और प्रॉपर फीचर है ये फोर्थ वीक का. तो गैस्ट्रोलेशन, न्यूरोलेशन और ट्राइलैमिनर जर्म लेयर मेन इवेंट्स हैं थर्ड वीक के. ठीक है, गैस्ट्रोलेशन, न्यूरोलेशन, इसके अलावा अभी हमने कहा था सेकेंड वीक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और सिलोम बन रही थी और थर्ड वीक में इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन गया. ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, डेवलपमेंट ऑफ द कोरियोनिक विलाय एंड प्लेसेंटा. मजीद जो सर्कुलेशन इनिशिएट हुई थी सेकेंड वीक में अब मैच्योर हो गई. ठीक है,
ड्यूरिंग थर्ड वीक द थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स एस्टेब्लिश. अब तीन लेयर हैं थर्ड वीक, ऐसे याद कर लो. बाइलेमिनर सेकेंड वीक, ट्राइलेमिनर लेयर्स जो बनती हैं, मतलब एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, वो फिर थर्ड वीक में बनेंगे. दीज जर्म लेयर्स एक्चुअली विल डिसाइड कि ऑर्गन डेवलपमेंट किसकी किससे होनी है. एक्टोडर्म की किससे होनी है और जो है एंडोडर्म की किससे होनी है. तो जो मेजर एम्ब्रियोनिक्स जो डेवलपमेंट होनी है आफ्टर फोर वीक टिल एट वीक्स, उसके जो ग्राउंड वर्क है ना वो डे थ्री, वो वीक थ्री में हो चुका है. क्योंकि वीक थ्री ने ही वो हमें वो यू नो लेयर्स दी हैं जिससे वो चीज़ें बनेंगी, एक्टोडर्म की, मेसोडर्म की, एंडोडर्म की, ठीक है. बट उनसे बनना क्या है, फुल जो इन पे वर्क होना है वो आपका होना है 6 to 8 वीक में. जो मेजर वर्क होना है 6 to 8 वीक में होना है ऑर्गेनोजेनेसिस का, ठीक है. ओके, फिर थर्ड वीक में जो ये टेबल है नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डे 15 पे क्या होना है. अब देखें 1 to 7 days तक फर्स्ट वीक निकल गया, 8 to 14 तक सेकेंड वीक निकल गया. अब थर्ड वीक तो ऑब्वियसली डे 15 से स्टार्ट होगा ना. बट डे 15 एक्चुअली एलएमबी का नहीं है, गॉट माई पॉइंट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन डे 15 है. दैट वॉज द इशू विच आई वॉज टेलिंग. ये फर्टिलाइजेशन का पोस्ट 15 डे है. और फर्टिलाइजेशन जब होती है ऑलरेडी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, जिसको आप जेस्टेशनल एज में काउंट करते हैं शुरू का, यू नो फोलिकुलर फेज. ये चीज समझ आ रही है आपको? यस मैम. Yes, और यही वजह है नेचुरल कंसेप्शन में हम 40 वीक्स लेते हैं, बट आईवीएफ में हम 38 वीक्स लेते हैं टर्म. हम वो 2 हफ्ते नहीं रखते एडीडी में. अच्छा, बाकी डे 15 में आ जाएं गैस्ट्रोलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. इसके अलावा न्यूरोलेशन भी हो रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड्स, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड जो बैकबोन है हमारी, और सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय बन रही. डे 16 पे लेंटाइस बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन. डे 18 पे न्यूरोलेशन, न्यूरल प्लेट बन प्रॉपर स्टार्ट हो गया. न्यूरोलेशन बाद में होती है, गैस्ट्रोलेशन पहले होती है. ये भी है कि विच विल कम अर्लियर, गैस्ट्रोलेशन देन न्यूरोलेशन. और न्यूरोलेशन में भी इसके 2 पोर्स होते हैं, कार्डल और क्रैनियल. कौन सा पोर पहले क्लोज होता है? क्रैनियल पोर पहले क्लोज होता है. फिर डे 19 पे आ जाए इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमा पेयर हो गई. डे 20 पे आ जाए फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट बन गया. तो सोमाइट्स कब बनते हैं? थर्ड वीक में. और प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब भी बन जाती है, न्यूरल ग्रुप भी अपेयर हो जाता है डे 20 पे जाके, ठीक है. तो ये डे वाइज याद रखिएगा, ये काफी क्वेश्चन आते हैं. बाय 12 डे देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस, पर्टिकुलरली इन द ट्रोफोब्लास्ट, स्मॉल क्लैफ्ट्स. ट्रोफोब्लास्ट वही है ना, आउटर सेल मैस जिसे प्लेसेंटा बनना है. तो उसमें क्या होता है, लैकिने बन जाते हैं और लैकिने बना के वो सिंसिटी ट्रोफोब्लास्ट बना देंगे. फिर ये लैकिने कम्युनिकेट कर देंगे वो जो यूट्राइन आर्टरी है. यूट्राइन आर्टरी मायोमेट्रियम में होती है, जो एंडोमेट्रियम की बिजेलस लेयर है उसमें अपनी रेडियल ब्रांचेस देती है. और जो फंक्शनल लेयर है इसमें स्पाइरल अपनी ब्रांचेस देनी है. फंक्शनल लेयर में तो इम्प्लांटेशन हुई है, तो ये स्पाइरल आर्टरीज इन्वेड करेंगी प्लेसेंटा को. देन देयर नेम विल बी साइनोसाइट्स. फिर वो लेकिन साइनोसाइट्स का कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन फ्रीली कम्युनिकेशन नहीं होगा. दरमियान में यू नो कुछ ना कुछ बैरियर होंगे ताकि यूट्रो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस ना हो. वरना अगर बच्चा नेगेटिव है, माँ नेगेटिव है, बच्चा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव लेके आया, फ्री कम्युनिकेशन हो जाएगी तो मिक्सिंग हो जाएगी, रिसेस आइसोमेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो बैरियर बड़ा जरूरी है. ये बैरियर शुड नॉट बी ब्रेक. If it break, it will come with no hazards. However, ये जो यूट्रोप्लेसेंटल कम्युनिकेशन है ये जरूरी भी बहुत है, करनी भी बहुत है, क्योंकि फिर बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लाई कहाँ से मिलेगी. तो ये कम्युनिकेशन बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बिलीव मी. ये कोई धमाका नहीं हुआ, ये कुदरत की तरफ से कोई यू नो ऐसी कोई ताकत ही नहीं है ये इतना कुछ कर सके. देर शुड बी सम यू नो हाई पावर हु इज वर्किंग. इतनी फाइन 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 डिटेल्स हैं. अगर आप आंखें खोल के एम्ब्रियो पढ़ लेना तो बंदा एथिस्ट तो नहीं रह सकता. ही विल बिलीव इन द गॉड बाय एनी फॉर्म. ओके, चलें आगे चलें. कंकरेंट है, फिर इसके बाद क्या हो गया? साइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज द थिकेस्ट एट द एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ द कंसेप्टस. क्लैफ्ट्स अपीयर बिटवीन द एक्टोसोलोमिक मेम्ब्रेन एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट. दीस क्लैफ्ट्स मर्ज टू फॉर्म द एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक कैलोम. दैट इज यू नो वी हैव डिस्कस्ड इट. हमने देख भी लिया है, लेकिन एक दफा रीड कर लें बिकॉज दे आर योर स्टडी नोट्स एज वेल. अगर मैं कोई चीज़ रैपिड भी लेके जा रही हूँ तो नो वरीज,
आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ, ताकि आप इसका प्रिंट आउट करा लें। अच्छा, फिर डे 13 पे जो लैक्यूनेट थे वो ज़्यादा इनलार्ज हो गए। अब ये जो साइटोट्रोफा ब्लास्ट है ना, इसने बनाया प्राइमरी क्रोनिक विलाय। ये क्रोनिक विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोडक्शंस हैं इनटू द लैक्यूनेट। अभी विलाय पे बात होती है, व्हाट इज प्राइमरी विलाय, व्हाट इज सेकेंडरी विलाय, व्हाट इज टर्शियरी विलाय, व्हाट इज प्लेसेंटल विलाय। दैट इज द बैकबोन ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। The embryo proper consists of two layers, epi and hypo. The two cavities continue to enlarge with the amniotic cavity above the epiblast and the yolk sac below the hypoblast. तस्वीरें देख के दोबारा देखना तो याद रहेगा। जो secondary yolk sac है ये बनती है within the chronic cavity. Embryo is connected to the cytotrophoblast by a connecting stalk of extraembryonic mesoderm. This stalk actually is the future of the umbilical cord. इसी को umbilical cord बोलेंगे। फिर इसमें umbilical vessels आ जाएंगी, surrounded by the Wharton jelly. By this stage, the uterine epithelium has reformed, thus completely engulfing the conceptus. The largest development of the trophoblast lacunae is on the deepest surface of the conceptus by the end of the second week. Since situ trophoblast produces the hormone human chorionic gonadotrophin. सारे गोनाडोट्रोफिन आते हैं एंट्री पिट्यूटरी से। ये वाला गोनाडोट्रोफिन आता है प्लेसेंटा से, ठीक है, ये एचसीजी एंट्री पिट्यूटरी से नहीं आता। विच मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी, विच इन टर्न सस्टेन्स द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। देखिए, जब ओवुलेशन के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होती है, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से आती है, फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रोजेस्टेरोन जो है मेंटेन करती है इम्प्लांटेशन को। अब इम्प्लांटेशन हो जाएगी ना और प्लेसेंटा बन जाएगा, तो ये रिलीज करेगा बेटा एचसीजी, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन ओवरी का तो काम खत्म हो जाएगा, अगर सारा काम जो ओवरी का, जो एंडोक्राइन का जो फंक्शन था, अब प्लेसेंटा ने संभालना है, तो वो सारे हार्मोन्स जो ओवरी देती है ना, वो प्लेसेंटा भी बनाता है। प्लेसेंटा की भी लिस्ट ऑफ हार्मोन्स है, और मेन हार्मोन प्लेसेंटा का ना बेटा एचसीजी है। दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड इन द यूरिन एंड दिस एंड दस इट्स प्रेजेंस इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए ना, तो सीरम में, जैसे ब्लड में बीटा एचसीजी 7 डे पे मौजूद होता है, बट यूरिन पे पॉजिटिव नहीं आता। मतलब इट्स मीन के पेशेंट का साइकिल मिस भी नहीं हुआ, और तब भी अगर आप ब्लड पेशेंट का लेके देखें आफ्टर फर्टिलाइजेशन अराउंड डे 21 या डे 22, तो जो नॉर्मल वैल्यू है बीटा एचसीजी की, जो कि 5 है, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता कि यूरिन में आ जाए। यूरिन के लिए इट शुड बी मोर, एटलीस्ट 20 यूनिट्स होने चाहिए। तो फिर वो फिर यू नो फिल्ट्रेशन होगी किडनी से, फिर यूरिन में आएगा वो। तो दैट्स मीन के यूपीटी पॉजिटिव तभी होगा जब साइकिल मिस होगा, ठीक है। साइकिल मिस होने से पहले यूपीटी पॉजिटिव नहीं हो सकता। फिर किस कौन सा ऐसा अर्लियर मार्कर है जो प्रेगनेंसी का बताए, वो सीरम बीटा एसिड बताएगा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। थर्ड वीक में दोबारा ये टेबल को लगाया था कि आप इसको रीचीजें देखें। थर्ड वीक में कुछ भी याद करने वाला है तो ये टेबल है कि 15, 16, 17, 18, 19 पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि थर्ड वीक में तीन है, तो तीन लेयर्स बननी है, ठीक है। तो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बन जाएंगी। इसको कहते हैं गैस्ट्रोल्यूशन। The first cell to invaginate through the primitive group from the definitive endoderm, form the definitive endoderm. जो सबसे पहले cell primitive group से भाग के जा रहे थे, है, वो उन्होंने क्या बनाया? Endoderm. The remaining cell of the epiblast जो थे वो ectoderm है, और उनके दरमियान में है, वो mesoderm बन जाएगा। तो वो वीडियो दोबारा भी देखनी है। I will insisting again and again, वरना इनका invagination ये आपको इसकी 3D picture आपके mind में रहेगी तो फिर हमेशा याद रहेंगे। अच्छा चले, इन्वेजिनेशन हो गई, जो पहले सेल थे वो बन गए एंडोडर्म, उसके बाद एक्टोडर्म, और जो दरमियान में थे वो मेसोडर्म। बट इनसे फर्दर क्या बनेगा? एक्टोडर्म डिस्टल लेयर है, मेसोडर्म मिडल लेयर है, एंडोडर्म प्रॉक्सिमल लेयर है। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और स्किन एपिडर्मिस मेजर बनता है। मेसोडर्म से मसल्स बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ब्लड वेसल्स बनती है, बोन बनता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। एंडोडर्म से GIT का ट्रैक्ट, इसकी लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनते हैं। लेकिन हमने इसको बहुत फाइनर डिटेल्स में भी करना है, ठीक है, आगे करेंगे।
अच्छा फिर हमने कहा था पहले थर्ड वीक में गैस्ट्रुलेशन होती है, उसके बाद न्यूरुलेशन होती है. न्यूरुलेशन से क्या मुराद है? न्यूरुलेशन अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल प्लेट इनटू द न्यूरल ट्यूब. पहले आपने देखा ना, पहले क्या बना था? पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी थी, स्ट्रीक में जो था वो नोड बना था, उसमें बिट बन गई थी, बिट में ग्रूव बन गया था, ग्रूव ने फोल्ड बना दिए थे, फोल्ड मिलके दरमियान में उन्होंने प्लेट बना दी थी. यही हो रहा था ना, ईस्ट काने चल रही थी ना इनकी, तो फाइनली ये प्लेट बन जाएगी, प्लेट से ये ट्यूब बन जाएगी, ठीक है. फिर इसका कार्डल एंड होगा, फिर इसे क्रेनियल एंड होगा, फिर फाइनली वो भी क्लोज हो जाएगा. क्लोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाएंगे. अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोकेफलस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है? कौन बताएगा? वो तो स्कल की वजह से नहीं होता. नहीं, हाइड्रोकेफ इज नॉट अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. यस, एक्सीलेंट. ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या आएगा? माइक्रोकेफैली, एनकेफलोसील, स्पाइना बिफिडा, है ना, मेनिंजियोसील, ये आते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में. इनकी कॉम्प्लिकेशन में हाइड्रोकेफेस होता है. ओके, फिर मजीद ये पिक्चर है कि एक्टोडर्म से क्या बन रहा है, ठीक है, मेसोडर्म से क्या बन रहा है, एंडोडर्म से क्या बन रहा है, जस्ट टू यू नो, आपकी पिक्चर मेमोरी आपको दिमाग में याद रहे, क्योंकि एनाटॉमी एम्ब्रियो में पिक्चर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है. क्रेनियल एंड है, ये कॉर्डल एंड है, कॉर्डल एंड पे स्पाइनल कॉर्ड बन गई, क्रेनियल एंड पे क्या बनता है? ब्रेन बनता है, फोल्डिंग हो रही है, ठीक है. टेस्ट सेल्स हैं आगे. प्रीमेटिव स्ट्रीक कैसे बनती है, जस्ट रीड कर लें, ठीक है. जो मैंने हाईलाइट किया ये, दैट इज इम्पोर्टेंट, के एंड ऑफ द सेकंड वीक डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रूव बन जाता है, ठीक है. और फिर फर्दर स्ट्रीक जो बनती है वो थर्ड वीक के बिगनिंग में बन जाती है, ठीक है. और फिर क्या होता है, अब थर्ड वीक में इंट्राम्ब्रियोनिक चीज़ें बननी थी ना, तो इसलिए इंट्राम्ब्रियोनिक में जो डम बन जाती है. फिर क्या बनता है, फिर the new germ layer spreads out in all directions to lie between the ectoderm and the endoderm except in two locations where the original two germ layers remains in contact, the precordal plate at the cephalic end of the disc and the dysaurofrangeal membrane hoti hai, aur extreme caudal end jise cloacal plate bhi bolte hain, theek hai. The precordal plate is soon replaced by the buccopharyngeal membrane. बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पहले रप्चर होती है या क्लोइकल मेम्ब्रेन पहले रप्चर होती है? क्योंकि शुरू में तो ये दोनों क्लोज होती हैं. क्लोइकल मेम्ब्रेन पहले रप्चर होती है. नहीं, बक्कल मेम्ब्रेन तो फोर्थ वीक के एंड पे नहीं रप्चर हो रही थी, मुंह पहले बनता है. बक्कोफेरेंजियल एंड आई थिंक क्लोइकल एट द 10th वीक. क्लोइकल 7th वीक पे रप्चर होती है. 7, ओके. अच्छा, फिर मुंह और नाक वो एनएस बन गई, दो होल्स भी बन गए. चलो फिर आगे चलें. अब ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन यहाँ है, क्लोइकल मेम्ब्रेन यहाँ है. बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पहले रप्चर होगी, इसी से याद रखें, जो क्रेनियल पोर है वो पहले क्लोज होगा. क्लोइकल मेम्ब्रेन कॉडल एंड पे रप्चर होगा, तो कॉडल पोर भी, न्यूरोपोर जो है उसका, वो एंड पे क्लोज होगा, ठीक है. नोटोकॉर्ड फ्यूचर बैकबोन है. फिर ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, और जो पहली लेयर है वो एक्टोडर्म है, जो डीपेस्ट लेयर है वो एंडोडर्म है, दरमियान में जो है वो मेसोडर्म है. फिर ये इनवेजिनेशन से बने थे, जो पहले एपिब्लास्टिक सेल्स भाग गए थे वो क्या बना रहे थे, एंडोडर्म बना रहे थे ना, और जो स्टे कर गए थे वो एक्टोडर्म थे, और जो उनके दरमियान में थे वो मेसोडर्म थे. और फिर जब ये ट्राई लेमिनर जर्म्स लेयर्स जो हैं वो कम्प्लीट हो जाती हैं थर्ड वीक में, तो फिर फर्दर इनवेजिनेशन या माइग्रेशन नहीं होती, बस होनी थी तो अभी होगी. फिर प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, एरोज इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द इंट्राम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फ्रॉम प्रिमिटिव स्ट्रीक. ओके, थ्री कॉलम्स ऑफ इंट्राम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गए. अच्छा, मेसोडर्म में भी थ्री कॉलम्स बनते हैं, ठीक है. लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड पेरेक्सियल मेसोडर्म. मेसोडर्म से तो हमने कहा था ना वो कनेक्टिव टिश्यूज बन रहे हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इनके तीन पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स से भी मजीद स्पेसिफिक चीज़ें बनेंगी, ठीक है. तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है. तो अगेन फेट ऑफ दीज डर्म लेयर्स के, एंडोडर्म मेसोडर्म एक्टोडर्म की, जस्ट फॉर योर पिक्चर मेमोरी.
नोटोपार्ट कैसे बनती है, सेल ड्रॉइड फ्रॉम द प्रिमिटिव नोड माइग्रेट क्रेनियली टुवर्ड्स द बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, दिस रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ द नोटोकॉर्डल प्लेट व्हिच इन टर्न फोल्ड्स इन टू फॉर्म द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द नोटोकॉर्ड. द नोटोकॉर्ड दस कम्स टू अंडरलाइन द फ्यूचर न्यूरल ट्यूब. और इससे क्या बनता है इसके अलावा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बनता है एम्ब्रियो का और न्यूक्लाय पल्पोसिस बनता है. दैट इज योर रिकॉल्स. तो बाकी नोटोकॉर्ड है फ्लेक्सिबल रॉड शेप्ड बॉडी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल क्वाड्रेट्स इंक्लूडिंग यू नो ह्यूमंस. ये मेसोडर्म से बनती है, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनती है, याद रखिएगा. दिस विल कम व्हेन डॉक्टर मारिया आपको रिकॉल्स कराएंगे तब बताना उनको मेसोडर्म से बनती है. डॉक्टर हीरा ने बताया था. चलें तो बाकी जस्ट फॉर योर पिक्चर मेमोरी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड बनती किससे है, ओरिजिन प्रिमिटिव नोड या पिट से हुआ है, ठीक है. और अगर जर्म लेयर बताएं तो वो मेसोडर्म. और लाइक द प्रिमिटिव स्ट्रीक द प्रिमिटिव पिट सेल्स प्रोलिफरेट एंड देन माइग्रेट क्रेनियली इन द मिड लाइन टुवर्ड्स द बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ रॉड लाइक प्रोसेस, इसे कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस. फिर नोटोकॉर्डल प्रोसेस बिकम्स कैनलाइज्ड, वो ट्यूब बना कैनाल बना देता है, ठीक है, विच कम्युनिकेट्स विद द एमनियोटिक कैविटी एट द प्रिमिटिव पिट. एनी वे मूविंग फॉरवर्ड न्यूरोलेशन के बारे में हमने बात की है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बता चुकी हूँ. बाकी वो तस्वीरों के लिए बताया क्योंकि तस्वीरों को ध्यान में रखोगे व्हेन यू विल रीड इट तो योर लाइफ विल बी सुपर इजी. अच्छा आप ये बताएं कि स्ट्रक्चर विच अपीयर इन द एम्ब्रियो सिमेट्री किससे होती है. कौन सा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को एक शेप देता है, सिमेट्री देता है, प्रिमिटिव पिट, नोटोकॉर्ड या एम्नियो? नोटोकॉर्ड. हमने ऐसा पढ़ा था नोटोकॉर्ड के बारे में. सिमेट्री तो प्रिमिटिव पिट से आती है. दोबारा वो वीडियो देखना, मैंने कहा था वीडियो देख लो, मैं तुमसे पूछूंगी सारे क्वेश्चन बाद में. अच्छा व्हेन डज न्यूरल ग्रूव अपीयर्स इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, डे 30, 25, व्हाटएवर. ये तो खैर लिखा भी हुआ है न्यूरल ग्रूव कब होता है, डे 20 पे, ठीक है. और क्रेनियल पोर कब बंद होता है, 24 पे. और कार्डल कब बंद होता है, पोर 26 पे. ये डे याद रख लीजिएगा. ठीक है, द की टाइम फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस इज बिटवीन 6 to 8 weeks. दैट टोटल प्रोसेस स्पेंडिंग 4 to 8 weeks. अलाइंड रेज्ड एरिया इज फॉर्मड ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो डेज टूवर्ड्स. ये मैं बता चुकी हूँ कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा, स्ट्रीक से पे क्या होता है वो देती है एंट्रम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड द एंट्रम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज नोन एज अ गेस्टेशन, ठीक है. बाकी अब आ जाते हैं फोर्थ वीक पे, ठीक है. फोर्थ वीक मतलब फेरेंजियल एपरेटस. वीक फोर पे क्या होता है, फेरेंजियल एपरेटस बिगन्स टू फॉर्म एंड डेवलप इनटू द वेरियस हेड नेक एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है. बार्स ऑफ द मेसोडर्म फॉर्म 6 फेरेंजियल आर्चेस इन क्रेनियोकॉर्डल फैशन. अब आप ये देखिएगा कि फेरेंजियल आर्च है, फेरेंजियल क्लेफ्ट्स हैं और फेरेंजियल पाउचेस हैं. ये पाउच क्लेफ्ट्स एंड आर्च आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इन तीनों में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आर्चेस, ठीक है. अच्छा तो ये तो इनका है जस्ट टू फॉर योर रीडिंग पर्पस स्टडी नोट्स. जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैं इनका इनको याद करवाने का तरीका बताना चाहती हूँ, ठीक है. वीक फोर में अगर इस तरह से कट करके देखें तो फेरेंजियल आर्चेस ऐसे नजर आती हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है. 5 डज नॉट फॉर्म क्योंकि ये रिग्रेस कर जाती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है और डेट 6 है, ठीक है. तो ये आर्च है, आर्च के दरमियान में जो डिप्रेशन है वो क्लेफ्ट है. अब आर्च बनती है मेसोडर्म से. अब फेरेंजियल एपरेटस की ना ब्यूटी है, तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं. आर्च बनती है मेसोडर्म से, क्लेफ्ट बनती है एक्टोडर्म से, पाउच बनती है एंडोडर्म से, ठीक है, याद रहेगा. आर्च फ्रॉम मेसोडर्म, क्लेफ्ट फ्रॉम एक्टोडर्म, पाउच फ्रॉम एंडोडर्म, ऑल थ्री लेयर्स इन्वॉल्व इन फेरेंजियल एपरेटस. एंड देयर इज नो 5/5 आर्च बिकॉज इट रिग्रेस. ओके दोबारा इसको देख लें, ठीक है. ये
pharyngeal arch 1, pharyngeal arch 2, pharyngeal arch 3, pharyngeal arch 4, there is no 5 and then 6. अब दो इनके दरमियान में जो पाउच है इस साइड से, ये है एंडोडर्म का, ये तो मेसोडर्म से बन रही है ना, ठीक है, ये है यूस्टेशियन ट्यूब बनती है, टिम्पैनिक कैविटी बनती है वन से। ये तस्वीर बड़ी मजे की है, बैठोगे जब अपना मी टाइम निकालोगे और जब शोर करोगे एम्ब्रियो पे, आपके पास ये स्टडी नोट्स भी होंगे, फिर दिमाग लड़ाओगे, फिर न्यूमोनिक्स बनाओगे, फिर पिक्चर मेमोरी बनाओगे, तो फिर इस वक्त ये तस्वीर बड़ी आपके हेल्प होगी कि फर्स्ट पाउच से ये ट्यूब बन रही है, ठीक है, सेकेंड से पैलेटिन टॉन्सिल बन रहे हैं, थर्ड से इंफीरियर पैराथायराइड और थाइमस बन रहा है, फोर्थ से सुपीरियर पैराथायराइड और अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी बन रही है, ठीक है, ये साइड पे हैं पाउचेस और इस साइड पे हैं ये क्लेफ्ट्स, ठीक है, और फर्स्ट क्लेफ्ट है, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट्स हैं, ये सारे इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट है, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ ये जो है ना इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इनटू द सर्वाइकल साइनसेस। तो ये तस्वीर बड़ी मजे की है, बाकी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च तस्वीर देखना है, याद कैसे करना है मैं बताती हूँ, देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, मैगजिला मैंडिबल स्वेलिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कभी भी याद नहीं होती, फिर सेकेंड फेरेंजियल आर्च है, फिर थर्ड फेरेंजियल आर्च है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ तो नहीं होती, फिर सिक्स है, फिर क्लेफ्ट्स आ गई, क्लेफ्ट्स एंड पाउचेस आ गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड एंड फोर्थ आ गई, फिर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आ गए, और फिर ये थायराइड ग्लैंड किससे बनता है, एंडोडर्म से, एट द बेस ऑफ द टंग, और इसमें क्या पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं, अल्टीमो फ्रेंजियल बॉडी से बन रहा है, ठीक है, चलो क्या एनी वे, फिर ये आर्चीज हैं, दिस फॉर योर पिक्चर मेमोरी, बट अभी इसको फिलहाल छोड़ें, अभी कंसंट्रेट करें कि फेरेंजियल आर्चीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ द फेस एंड द नेक, जो हमारी लोअर पार्ट है ना फेस का, नेक का, वो फेरेंजियल आर्चीज से बनता है, एंड ये जो आर्चीज हैं बेसिकली ये कहाँ से आए हैं, मेसोडर्म्स है, पाउचेस एंडोडर्म्स से, क्लेफ्ट्स एक्टोडर्म्स, देर आर सिक्स आर्चीज एंड फिफ्थ वन रिग्रेस, ठीक है, इसकी तस्वीर प्यारी सी ये है, लेकिन शुरू वाली ज्यादा ईजी थी, ये देखें ये पाउचेस हैं, वन टू आर्चीज हैं, वन टू थ्री फोर एंड सिक्स, ठीक है, ओके, अच्छा, फिर फर्स्ट है, मैं थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ आप लोगों को, आई नो लंबा हो गया क्योंकि वो वीडियो नहीं चल रही थी ना, वो टाइम लेंगे, रियली मेरा बस यही होता है सेशन दो या तीन घंटे का, लंबा नहीं जाता, जा भी सकता है वैसे, कुछ लंबे भी गए, अच्छा, तो हाँ, फ्रेंजल आर्चिस में आपने ध्यान रखना है कि ये जो पहली आर्च है इससे क्या मसल बनता है, क्या स्केलेटल सिस्टम बनता है, कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी है, इतने एमसीक्यूज आते हैं इससे, कौन सा मसल बनता है, ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन किससे बनते हैं फर्स्ट से, मैगजिला और मैंडिबल की बोन कैसे बनती है फर्स्ट से, ट्राइजेमिनल नर्व या फाइव नर्व किससे बनती है फर्स्ट से, आर्टरी कौन सी बनती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं, ये निमोनिक पे आ जाते हैं, अच्छा, जो पाउच है वो एंडोडर्म से बनती है ना, तो इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये जो पाउचेज हैं ये हैं वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वन इज रुडिमेंट्री, जो आर्चिस थी वो छह थी, पांचवी नहीं थी, जो पाउचेस है वो पांच है, छठी नहीं है, लेकिन पांचवी जो है ना वो रुडिमेंट्री है, ठीक है, अब वन से टू से थ्री से फोर से जो बन रहा है वो तस्वीर से भी कोरिलेट कर लीजिएगा, इस टेबल से भी देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा, एक और बात, हाँ, तो ये तरीका है आर्टरी याद रखने का कि जो फेरेंजियल आर्चिस से जो आर्टरी बनती है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट मी, आप ये कहते ना कि सबसे पहले तो भाई मैंने ही आना है, फर्स्ट मी, मी एम मैक्सिलरी आर्टरी, ई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से क्या है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट तो मी है तो मैक्सिलरी एम से और ई से एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक हो गया, सेकंड आर्च एस से बन रहा है ना, एस एस साउंड पे करें, स्टेपीडियल, ये स्टेपीडियल आर्टरी इसके साथ है, सेकंड के साथ, थर्ड लेटर कौन सा होता है, सी होता है ना, ए बी सी, तो सी,
ठीक है, थर्ड लेटर इन द अल्फाबेट, तो क्या दे रहा है? सी सी कैरोटिड कॉमन एंड इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं दे रहा, इंटरनल. फोर्थ, फोर्थ वर्ड क्या है? आर्च, फोर्थ वर्ड. ठीक है, तो लेटर आर्च ऑफ द ओटा आ गया. ठीक है, इसमें भी फोर्थ वर्ड है. या फिर सब क्लेवियन टिश्यू आ गया, सब क्लेवियन आर्टरी आ गया. ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी, स्कार से याद कर लें, सब क्लेवियन आर्टरी, एस सी सब क्लेवियन ए आर आर्टरी. तो इसमें भी चार वर्ड्स हैं, इसमें भी चार वर्ड्स हैं, तो चौथी फेरेंजियल आर्टरी आती है. फिर पांचवी तो होती नहीं, छठी होती है. छठी मतलब सिक्स, सिक्स पैक डॉक्टर से याद कर लें, टी पल्मनरी आर्टरी. और सिक्स पैक मतलब एक डॉक्टर है, उसके मसल बने हुए ना, बॉडी बिल्डिंग करता है वो, सिक्स पैक डॉक्टर है वो, सिक्स पैक डॉक्टर है. तो छह छठी आर्च है, पी से मतलब पल्मनरी आर्टरी आ रही है इससे, और डी से डॉक्टर से आर्टरियोसिस. तो आर्टरी तो इस तरह से याद हो जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे. फर्स्ट मी मैक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, सेकंड एस एस टेपीडियल, थर्ड थर्ड लेटर सी सी मतलब कैरोटिड, फोर्थ फोर्थ लेटर मतलब आर्च और स्कार, सिक्स सिक्स पैक डॉक्टर, पी मतलब पल्मनरी आर्टरी और डी मतलब डॉक्टर से आर्टरियोसिस. ठीक हो गया, ये पल्ले पड़ा ही, अगर मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर बाद में समझ भी नहीं आएगा. यस मैम, समझ आए. अब इस पे आ जाते हैं हम फर्दर डिटेल्स पे. ये बड़ी हाई यील्ड टेबल है. हमने कहा था पहली आर्च, आर्च फर्स्ट मी, मी मतलब कौन सी आर्टरी थी? मैक्सिलरी एक्सटर्नल कैरोटिड. हाँ ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड किसमें थी फिर? सी लेटर सी कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल. ठीक है, अच्छा देखिए, मी मतलब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, बाकी याद ना करना इनके नाम. ठीक है, एम फिर मसल ऑफ मैस्टिकेशन में मैक्सिला आ जाएगा, और उसकी नर्व कौन सी होती है? फिफ्थ नर्व. हो गया पहली आर्च, दूसरी आर्च पे आ जाए. एस स्टेपीडियल, सेकंड एस सेकंड होता है ना, सेकंड आर्च एस एस स्टेबियल स्टेपीडियल आर्टरी. तो इसमें मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं. फिर अगेन सारे ही सारे स्केलेटल सिस्टम सारे एस वाले हैं. स्टेबियल आर्टरी थी ना, तो स्टेपी स्टाइलॉइड स्टाइलॉइड प्लसिस ये सारे बन गए. अब ये देखिए फेशियल एक्सप्रेशन में एफ है ना, तो फिर फेशियल नर्व आ जाएगी, इसकी नर्व भी फेशियल है, सेवंथ नर्व. चलो तो फिर आर्च भी हो गई. थर्ड आर्च पे आ जाए. थर्ड आर्च में हमने कहा था थर्ड लेटर सी, सी मतलब कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड. क्योंकि जो एक्सटर्नल कैरोटिड है वो मी में चला गया था ना, एम ई फर्स्ट मी है ना. अच्छा तो फिर इसमें क्या करना है? इसमें आपने याद रखना है स्टाइलो फेरेंस हाइट, स्केलेटल मसल हायर्ड है, और एक्चुअली आता भी नहीं है. दे फोकस ऑन के जो कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो किससे बनती है? थर्ड आर्ट से. मसल, अब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पहले वन में चले गए एक्सप्रेशन वाले, या फेशियल नर्व के साथ टू में चले गए, बट लेफ्ट बिहाइंड स्टाइलो फेर. ये नाम कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि स्पेलिंग का मसला है, बट वट एवर. तो स्टाइलो हाइट होती है ना, तो बोन क्या होगी? स्टाइलो हाइट होगी, साथ में मसल क्या हो गया? जैसे स्टाइलो लग जाएगा साथ में. ठीक है, और जो इसकी नर्व है वो क्या है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, नाइन सी. तो अब ये थ्री है ना, थ्री इंटू थ्री क्या बनता है? नाइन. तो ये नाइन नर्व है, थ्री इंटू थ्री, थर्ड लेटर सी. ठीक है, थ्री इंटू थ्री नाइन. अच्छा फिर फोर में आ जाए. फोर लेटर वर्ड था ना हमारे पास आर्टरी में, हमने किया था ना, सब क्लेवियन आर्टरी थी और आर्च ऑफ द ओटा लेफ्ट, राइट आर्टरी थी और लेफ्ट साइड से आर्च ऑफ द ओटा फ्रॉम फोर्थ. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने? ओके, इसमें जो नर्व है वो वेगस है. ठीक है, और जो स्केलेटल सिस्टम बनता है वो थायराइड का बनता है. ठीक है, अच्छा लैरिंग्स आता है वेगस के साथ, सुपीरियर लैरिंजियल है नर्व. तो फिर जो मसल्स हैं वो भी फेरेंजियल मसल्स हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सेंसिबली टैकल कर लें. अच्छा बाकी ये सिक्स आर्च है, फाइव नहीं है. ठीक है, तो ये फेरेंजियल मसल्स थे, ये इसमें जो है इंट्रिंसिक मसल्स आ गए. और स्केलेटल सिस्टम में क्या आ गया? क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और
नर्व वही है दसवीं, और बाकी सिक्स पैक डॉक्टर था ना, तो पी से पल्मोनरी आर्टरी और डॉक्टर था तो डॉक्टर साइटोसिस। तो जो छठी आर्च है उसकी आर्टरी तो याद हो गई कि भाई सिक्स पैक डॉक्टर है तो आर्टरी तो हमें पता चली गई है, और बाकी वैसे अगर आप देखें फेस में पहली तो चली गई हमारे पास फाइव नर्व, टू में चली गई फेशियल नर्व, थ्री में चली गई नाइन्थ नर्व, तो पीछे बचा ही क्या, दसवीं बची है ना, तो एक्सक्लूजन बेस पे भी हम कहें तो वो फोर और फाइव आर्च के साथ आ जाएगी, तो नर्व भी हो गई कि वो टेंथ नर्व है। ठीक है, अब हमें मसला है याद करने का मसल्स और स्केलेटन विद फोर एंड सिक्स आर्च। तो फोर में फेरेंजियल है और फाइव में लेरेंजियल है, ठीक है, फोर में थायराइड है और जो सिक्स है इसमें बाकी सारे कॉटिलेडन एक्सेप्ट थायराइड। कौन से होते हैं, फेस और नेक पे, लोअर पार्ट ऑफ दी फेस नेक में क्या होंगे, यही होंगे ना, ये क्रिकॉइड कॉटिलेज थायराइड से नीचे पड़ा होगा, ये ऊपर है तो फिर नीचे क्रिकॉइड होगा। तो इफ यू वर्क यू नो इन दिस वे आपको भूलेगा नहीं आर्चेस, वरना तो इसमें पक्का भूलना है, आना भी इसमें पक्का है। ठीक है, तो ये हमारी आर्चेस होंगे। बाकी ये आपके लिए रीड करने के लिए है, मेसोडर्म से तीन तरह की मेसोडर्म होती है ना, इंटरमीडिएट, लेटरल एंड पैराक्सियल, इनसे बनता क्या कुछ है वो हम देख लेते हैं। पैराक्सियल से क्या बनता है, अच्छा दूसरा जो हाईलाइट किया हुआ ये देख लीजिएगा कि पैराक्सियल मेसोडर्म पर की जो डिफरेंशिएशन होती है पेयर्ड ब्लॉक्स बनते हैं इन क्रेनियोकॉर्टल डायरेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड, इनको कहते हैं सोमाइड्स, और ये सोमाइड्स जो होते हैं ना वो बनते हैं फर्स्ट पेयर 20 डे पे और उसके बाद 3 पर डे बनते हैं जब तक 44 पेयर्स नहीं बन जाते। ठीक है, और ये सारे के सारे अडल्टहुड तक परसिस्ट भी नहीं करते। अच्छा, फिर बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ वीक में सोमाइड्स अंडरगो फर्दर डिफरेंशिएशन टू फॉर्म द डर्मेटोमायोटोम्स एंड सेक्लिडोटोम्स, बस इसमें से यही याद रखना है सोमाइड्स के हवाले से। फिर सोमाइड डेवलपमेंट इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा जस्ट। लेटल प्लेट मेसोडर्म इनसे क्या बनता है, इसे तो याद ही नहीं होंगे एंडोडर्म से क्या बनता है, मैं बताती हूँ निमोनिक के थ्रू। एनीवे ये टेबल दोबारा से आया है क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, उसमें से ये है कि कौन सा पहले फोर बंद होता है, मैंने बताया था क्रेनियल पहले बंद होता है 24 डे पे। अच्छा, फिर अभी हमने बात करनी तो है ये न्यूरॉन्स कैसे किससे बनते हैं, है ना, ये तो याद करने वाला है, बताती हूँ। तो ये आता भी है कि GNRH न्यूरॉन्स किससे बनते हैं, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा बनता है ना वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है जो डिटैच हो जाते हैं न्यूरल प्लेट से, तो वही बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो एक्टोडर्म की मजीद डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने थर्ड वीक में थे ना, थर्ड वीक में हमने कहा था तीसरा होता है तो तीन लेयर्स बनेंगे, तीन लेयर्स में हमने कहा इन्वेजिनेशन हो जाएगी, जो सबसे पहले भाग जाएंगे सेल्स एपिब्लास्ट के वो बन जाएंगे एंडोडर्म, और जो स्टे करेंगे वो जो है एक्टोडर्म है, जो उनके दरमियान में होंगे वो मेसोडर्म है। ठीक है, और फिर हमने एक्टोडर्म की बात करनी, एक्टोडर्म भी हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म है, न्यूरल ट्यूब है और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, तो ये एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं तीनों के तीनों, और इनसे भी स्पेसिफिक चीजें बनती हैं। ठीक है, जैसे सरफेस एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, हेयर, नेल, स्पेशियस ग्लैंड, लेंस, कॉर्निया, टूथ, इंटरनल ईयर, एंटीरियर पिट्यूटरी, रेथ के पाउच, एपिथीलियम ऑफ द माउथ एंड नोज, और न्यूरल ट्यूब से CNS बनता है, रेटिना बनता है, मोटर न्यूरॉन बनते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनती है। न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्कल बनता है और GNRH न्यूरॉन्स बनते हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं दे ऑलरेडी केम इन योर एग्जाम, जो नहीं हाईलाइट किए हुए वो आपकी सिंगल बेस्ट आंसर्स बुक्स में आए हुए हैं। तो इट्स मीन एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फेरेंजियल आर्चेस इंपॉर्टेंट है, इसी तरह एक्टोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म की तीनों लेयर से क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक निमोनिक से कर लें, ये मेरी एक जो थी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे ये निमोनिक जो है शेयर किया था, मुझे अच्छा लगा और मैंने भी इधर शेयर कर दिया। ठीक है, हाउएवर आई हैव नॉट मेड दैट निमोनिक, बट आपको समझ आए तो कर लें। देखें, सरफेस एक्टोडर्म को याद करें शेपन से, शेपन एस मतलब
sebaceous gland, H मतलब hair, AP मतलब anterior pituitary, E मतलब epidermis and eyes, eyes मतलब cornea, lens, फिर again epithelium of the mouth, nose, और फिर again E enamel of the teeth, and पे N बच गया तो nail. तो ectoderm की derivatives में सबसे पहले surface ectoderm है. Surface ectoderm का mnemonic है shapen. Shapen मतलब किसी चीज को शेप करना. उसमें सबसे पहले S sound कर रहा है, S sebaceous gland, H hair, AP anterior pituitary, E eye epidermis, है ना, और N nail. अच्छा, फिर दूसरा जो ectoderm का डेरिवेटिव था वो था न्यूरल क्रेस्ट. न्यूरल क्रेस्ट से क्या बन रहा है, इसका निमोनिक है जर्नल सेक्ट्री मेड टू मूव, मतलब एक बेचारा जर्नल सेक्ट्री है उसको तुमने मूविंग पे लगा दिया. This is this mnemonic is with neural crest cells. ठीक है, GS, G ganglia. Ganglia word cranial and sensory. ठीक है, G ganglia और G glial cells, G NRH neurons. तो ये सात तीनों के तीनों G जो है ना वो neural crest cells से बन रहे हैं. फिर अब आपने क्या किया, general secretary को आपने कहा है मतलब जी से तो बन गया ना गैंग्लिया ग्लायल सेल्स और GNRH, फिर ऐसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा स्कल एंड शॉन सेल्स. ठीक है, तो जीएस हो गया. अब मो पे एम. एम क्या मतलब मेनिंजिस, एम क्या मिलेनोसाइट्स, एम क्या मेडल्ला. अब यहाँ मेडल्ला लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ मेडल्ला बनता है, एडिनल कॉर्टेक्स नहीं बनता न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से. ठीक है, मो ओ ओ ओडोन्टोब्लास्ट. ठीक है, ओडेंटोप्लास्ट के इसके अलावा डीस में आ गया, डेंटाइन आ गया. फिर पी मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फ्रेंजियल आर्चेस पी से. तो न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या बना हमारे पास, ठीक है, जनरल सेक्ट्री मेड टू मूव, जी गैंग्लिया ग्लायल सेल्स, जीएनएरएच न्यूरॉन्स, एस एस स्कल शॉन सेल्स. ठीक है, एम मेनिंजीज, मेलानोसाइट्स, मेडल्ला. ओ मोप है ना, ओ ओडेंटोब्लास्ट, डेंटाइन, पी पीएनएस और फ्रेंजियल आर्चेस. अच्छा, फ्रेंजियल आर्चेस को जरा काउंटर चेक करना, किससे बनती हैं. अभी तो हमने पढ़ा था ये किससे बनती थी, मेसोडर्म से नहीं बनती थी, चेक कीजिएगा इसको. फ्रेंजियल आर्चेस फ्रॉम मेसोडर्म, इस पे काउंटर चेक है, फिर निकाल देना इसमें से. ठीक है. अच्छा, न्यूरल ट्यूब किसे बनता है, न्यूरल ट्यूब इसमें आपका निमोनिक है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यूजेस ब्रेन. वैसे भी आरएमपीएस को अपना ब्रेन यूज करना चाहिए. तो आर आर रेटिना, एम मोटर न्यूरॉन, पी पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी किसे बन रहा था, सरफेस एक्टोडर्म से. ठीक है, और ब्रेन वो ब्रेन यूज करेगा ना, तो ब्रेन सीएनएस एंड स्पाइनल कार्ड है. तो न्यूरल ट्यूब के साथ है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब आरएमपी यूजेस ब्रेन. न्यूरल क्रेस्ट सेल के साथ जनरल सेक्ट्री है और सरफेस एक्टोडर्म के साथ शेपन है. अब मेरी कैंडिडेट ने कहा पिछले दफा कि मैडम ये निमोनिक मैंने उल्टा कर दिया, एग्जाम में आई थिंक आया था जेनरस न्यूरॉन्स और मेरा निमोनिक ही भूल गया. अब मैं ये याद करूं कि वो जो आरएमपी यूज ब्रेन था वो एक्टोडर्म के साथ था और मैंने ऐसा किया तो मेरा तो हुआ ही नहीं. तो देखें, आप याद रखें सरफेस एक्टोडर्म के साथ शेपन है, क्रेस्ट के साथ जर्नल सेक्ट्री है, ट्यूब के साथ आरएमपी है. आप याद रख लें आरएमपी ना ट्यूब के साथ खेल रहा है. ठीक है, और सरफेस को हम शेप दे रहे हैं. ठीक है, और जो क्रेस्ट है ना वो बेसिकली नेस्ट है, नेस्ट को हम मूव करते हैं. ठीक है, एनी वे जो भी दिमाग में लड़े तुम लोगों का. आगे आगे क्वेश्चन है, स्केलेटल मसल ड्राइड फ्रॉम विच लेयर, किससे स्केलेटल मसल्स बनते हैं, मेसोडर्म से, और मेसोडर्म भी कौन सी, पेरेक्सियल या इंटरमीडिएट, ये तो हमने नहीं किया अभी. चलो कोई बात नहीं, वैसे ये पेरेक्सियल मेसोडर्म से बनती है और ऐसे ही आती है एग्जाम में. तो कैसे याद करें, मेसोडर्म अब भी एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स थे ना, वो प्लेट के साथ वो आरएमपी खेल रहा है. नहीं, प्लेट के साथ नहीं, प्लेट को इंटरमीडिएट और लेटरल. ठीक है, हमें पहले ही पता है. तो पेरेक्सियल में क्या करना है, पेरेक्सियल में आते हैं स्केलेटल मसल्स, अभी हमने एमसीक्यू भी याद किया है.
इसके अलावा स्कल के अलावा सारा स्केलेटन, स्कल किससे बन रहा था? नेस्ट क्रेस्ट से बन रहा था ना, जनरल सेक्रेटरी एसएस स्कल क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट। हाँ, तो फिर बाकी ब्रेन की मेनिंजीज ड्यूरा एंड कोरोइड, और बाकी मेनिंजीज किससे बन रही थी? मोब से ना, एम से बन रही थी ना, तो उसमें ड्यूरा और कोरोइड प्लेक्सिस नहीं आता, वो किससे बनेगा? वो प्रेक्सियल से बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इंटरमीडिएट मेसोडर्म से यूरोजेनिटल सिस्टम बनता है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और मेडल्ला किससे बना था? मेडल्ला एम मोब, न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट। चलें, तो और एंटरी पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में को भी याद रखिएगा, दोनों डिफरेंट जगहों से बनते हैं, मेडल्ला कॉर्टेक्स डिफरेंट जगहों से बनता है, मेनिंजीज भी दो दो सोर्सेज हैं, तो ये एग्जाम में बहुत आते हैं क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ना। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में सीरियस मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी, स्मूथ मसल्स, गट वाल, लिम्फेटिक्स, ये सारे लेटरल प्लेट से आ जाते हैं, तो इसका भी एक निमोनिक है, माय फ्रेंड शेयर्ड विद मी, इट्स नॉट माइन। वैसे बहरहाल जिसने बनाया बड़ा कमाल बनाया। प्रेक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, इसमें याद कर लें सोमाइट्स, सम वुमन हैव सिकल सेल डिजीज, पैरेक्सियल, पैरेक्सियल में ये है कि भाई सोमाइट्स बनते हैं, ठीक है, तो सम वुमन हैव सिकल सेल डिजीज, तो सोमाइट्स, सम सोमाइट्स, सोमाइट्स प्रेक्सियल मेसोडर्म। फिर क्या है सिकल सेल डिजीज? तो एस स्केलेटन, स्केलेटल मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड ब्रांचेस, ठीक है, एक्सेप्ट स्कल। फिर सी से कार्टिलेजेस, कोरोइड प्लेक्सिस, और डी से डर्मिस एंड ड्यूरा, दो प्रेक्सियल मेसोडर्म से बन गया। ये निमोनिक याद रहेगा तो ये नहीं बोलने वाला। इंटरमीडिएट में याद कर लें अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरोजेनिटल है ना, ऑब्वियसली। अच्छा, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में याद कर लें एलपी अर्न्स गुड कैश, एलपी मतलब लेटरल प्लेट, ठीक है, अर्न्स गुड कैश, गुड कैश, जी गटवाल, सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ए एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, लिम्फैटिक्स, एंड एस सीरस मेम्ब्रेन, स्मूथ मसल्स, स्प्लीन, और एच हार्ट। तो इट्स मीन एक्टोडर्म शेपन से याद किया, जनरल सेक्रेटरी में एंडोमोर्फ, और वो आरएमपी खेल रहा था ट्यूब से, ठीक है। अब मेसोडर्म में भी तीन चीजें थी, तो प्रेक्सियल मेसोडर्म, सम वुमेन हैव सिकल सेल डिजीज, इंटरमीडिएट अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब अर्ज, यूरोजेनिटल आ गया ना, तीनों वर्ड्स इसमें आते हैं, यू आर जी अर्ज, और यू आर जी अर्ज यूरोजेनिटल में आ गया। लेटरल प्लेट मतलब एलपी, एलपी करने से पैसे मिलते हैं ना, तो फिर जी गटवाल, सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ए एडिपोज टिश्यू, लिम्फैटिक्स, एस सीरस मेम्ब्रेन्स, एंड एच हार्ट। तो ये आपको याद रहेगा इस तरह से। अच्छा, बाकी बताएं एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एलेंटॉइस की किससे होती है? एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से होती है ना। बाकी एंडोडर्म कर लेते हैं, एंडोडर्म आपको पता सारी लाइनिंग ही देता है ना, गट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, है ना। तो एंडोडर्म का निमोनिक है एंडेड इन प्रीटम लेबर, एंडोडर्म मतलब प्रीटम लेबर, पी मतलब पैंक्रियास, टी थायराइड, एल लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लैडर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लीवर एंड लंग्स, ठीक है, और एंडेड एंडोक्राइन, तो याद रहेगा एंडेड इन पेटम लेबर, एंडोडर्म, एंडेड द पेटम लेबर, एंड एंडोक्राइन, पी से पैंक्रियास, पैराथायराइड, टी से थायराइड, एल से लाइनिंग्स, एंड एल बाकी लीवर लंग्स। तो ये सारी लेयर्स याद हो गई, प्रिंजल आर्चेस भी याद हो गई, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव ऑफ द वाइट लाइन वेन क्या होता है? इसका निमोनिक है हिप्स, एच मतलब हेपेटिक वेन, आई मतलब आईवीसी, और पी मतलब स्पीरियो मेसेंटेरिक वेन, ठीक है, एस मतलब स्पीरियो मेसेंटेरिक वेन, और फिर बचा क्या पीछे? मेसेंटेरिक वेन बचा है ना, एक्सेप्ट ही पूछा है उन्होंने, नॉट है, तो फिर भी होगा। बाकी रह गया प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा तो रह ही गया, बात करवाऊंगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लेसेंटा तो मैंने डिटेल में कराना है, तो इसको फिर हम पोस्टपोन कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। जो इनके डेवलपमेंट है, सिस्टम वाइज डेवलपमेंट, वो मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई, आई विल अपलोड इन टू योर M1 लाइब्रेरी, ठीक है। बाकी मेरा कल एक पार्ट टू के साथ सेशन है, अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो मैं ये चीजें दोबारा खुद ही लाइव करवाऊंगी, अदरवाइज आई विल शेयर दैट देयर रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके मैम।
आपकी ब्रेकअप. ओके, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स तो ये इसका फ्लायर है और हियर यू कैन कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, वैसे जो रूटीन में सेशंस होते हैं मैं रिकैप भी करती हूँ, मीन्स अगर टाइम का भी मसला ना होता तो मैं दोबारा सारी स्लाइड्स रन करके एक रिकैप देती, उससे बड़ा अच्छा आपको याद रहता है. बट एनी वे स्टडी नोट्स अवेलेबल होंगे, मजे से पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, और फीडबैक भी दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.